गुड मॉर्निंग एवरीवान आ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल यू बचो वी आर लाइव वी आर लाइव वी आर बैक अगेन ऑन क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल विद द एंड गेम फॉर मेजरमेंट तो यार ये मेरा लास्ट सेशन होने वाला है एंड गेम में मैं आपको मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज करा चुका हूं अब बारी आ चुकी है हमारे छोटे से प्यारे से सब्जेक्ट की दैट इज मेजरमेंट और इसको हम लोग बहुत ही फास्ट वे में कवर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेहतरीन तरीके से आपके लिए कवर करेंगे और आपको काफी मजा आने वाला है बट इससे पहले मैं शुरुआत करूं मैं बता दूं बेटा अगर आप लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हो तो फटाफट से एक बार अटेंडेंस मार्क कर दो लाइक कर दो इस सेशन को शेयर कर दो सबको बता दो कि अंकित सर लाइव आ गए हैं ताकि सभी बच्चे मेरे साथ इस सेशन में लाइव कनेक्ट हो पाए और जो भी गेट 24, 25 वाले एस्पेरेंट है उनके लिए मैं बता दूं बेटा प्राइजेस बहुत ही जल्द टेन बढ़ने वाले हैं इसीलिए अगर ज्वाइन करना है तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए यूजिंग द कोड अंकित ई ठीक है अब रिवीजन नहीं कर पा रहे आज क्या करें रेस्ट करो और बाकी एंड गेम अटेंड कर लो ज्यादा कुछ मत करो चलो फिर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन भाई पहले मैं एरर एनालिसिस आपको रिवाइज करा देता हूं ठीक है कोशिश करते हैं एक स्लाइड में पूरा एरर एनालिसिस हमारा आ जाए तो एरर एनालिसिस में देखो सबसे पहले तो पैरामीटर्स थे एक्यूरेसी एक्यूरेसी माने कि रीडिंग कितना क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के प्रिसीजन रीडिंग कितना क्लोज है आपस में इसके अलावा रेजोल्यूशन क्या होता है मिनिमम रीडिंग दैट कैन भी और मिनिमम चेंज दैट कैन भी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन इनपुट रिपीटबिलिटी एक ही रीडिंग कितनी बार आप ले सकते हो अंडर द सेम एनवायरमेंटल कंडीशन रिप्रोड्यूसिबिलिटी आप कितनी बार एक ही रीडिंग ऑप्टेन कर सकते हो अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन डेड जोन द रेंज ऑफ इनपुट जिसपे आउटपुट ना आए थ्रेश होल्ड मिनिमम इनपुट कितना लगाना पड़ेगा आउटपुट लेने के लिए डेट टाइम इंस्ट्रूमेंट कितना टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने के लिए राइट right? ये बेसिक बेसिक चीजें थी अब देखो यहां पे न्यूमेरिकल पोर्शन में अगर आते हैं तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिटिंग एरर कैसे निकालते हैं इट इज कंप्यूटेड फ्रॉम गारंटीड एक्यूरेसी एरर मल्टीप्लाइड बाय फुल स्केल वैल्यू डिवाइडेड बाय रीडिंग जो वैल्यू आप अभी रीड कर रहे हो उससे डिवाइड कर देते हैं गारंटीड एक्यूरेसी एरर मैंने बताया था आपको मैन्युफैक्चरर बताता है और लिमिटिंग एरर हमारी रीडिंग में जो एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है वो एरर है ठीक है फिर इसके बाद आपको एरर का रिप्रेजेंटेशन सिखाया था भाई एब्सोल्यूट एरर आया था पहले करेक्ट बात है एब्सोल्यूट एरर कितना आया था दैट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस द ट्रू वैल्यू रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर कितना आया था दैट वॉज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू फिर चौथा परसेंटेज एरर यह कितना आया था दिस इंटू हंड्रेड परसेंट ठीक है यह तीन तरीके थे ना एक ही एरर को लिखने के भाई याद है सबको याद है सभी लोगों को अच्छे से ये तीन तरीके थे एक ही एरर को लिखने के अब इसके बाद हमने क्या देखा था बेटा कॉम कंपोजिट एरर देखा था कि एरर्स को कैसे कंबाइन करते हैं इसमें हमने क्या देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड करेक्ट यही हुआ था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए रिलेटिव और परसेंटेज एरर आर एडेड करेक्ट डिविजन में लेकिन एक एक्सेप्शन भी था कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिपेंड ऑन या हैव सेम साइन ऑफ एरर हैव सेम साइन ऑफ एरर दोनों का एरर या तो पॉजिटिव या दोनों का एरर नेगेटिव है ठीक है आपको पहले से पता है दोनों का एरर पॉजिटिव या नेगेटिव है देन रिलेटिव और परसेंटेज एरर्स आर सब्ट्रैक्टेड आर सब्ट्रैक्टेड ठीक है भाई क्लियर हो गई ये बात ये बात सबको क्लियर है ठीक है जी यू पी ए यूपी पी सी ए में अपकमिंग क्या प्लान है सर और आर आर बी में से अभी तो देखो कोई प्लान नहीं है इन चीजों के बारे में जब कभी होगा तो बताएंगे फिर एक हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था देखो कि अगर पावर भी आ जाए तो हमने पढ़ा था परसेंटेज एरर इन एक्स इज़ एम इनटू परसेंटेज एरर इन एक्स वन प्लस एन परसेंटेज एरर इन एक्स टू प्लस पी परसेंटेज एरर इन एक्स थ्री ये हमने पढ़ा था ठीक है जी फिर इसके बाद हमने क्या देखा था भाई स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था इसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था स्टैंडर्ड <coughs> डेविएशन का फॉर्मूला क्या था भाई एक तो ये था आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई आई ए माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन अंडर रूट और एक फॉर्मूला था मुझे बताना वैलिड कहां पे है कौन सा एक में था एन माइनस वन तो पहले वाला फॉर्मूला कहां लगता है बताओ उसके लिए एन की रेंज क्या है पहला फॉर्मूला जहां पे एन लिखा है आपने डिनोमिनेटर में इसके लिए एन की रेंज क्या है बोलो यहां पे क्या है एन ग्रेटर देन ट्वेंटी और यह है एन लेस देन ट्वेंटी ठीक है एन लेस देन ट्वेंटी ये बात क्लियर हो गया जेई माने गारंटीड एक्यूरेसी एरर अनसर्टेनिटी बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन को बोल देते हैं ठीक है अनसर्टेनिटी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को बोल देते हैं अब देखो अगर एक फंक्शन है अलग अलग वेरिएबल का तो हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था डेल एक्स बाय डेल एक्स वन का स्क्वायर सिग्मा एक्स वन स्क्वायर डेल एक्स बाय डेल एक्स टू का स्क्वायर सिग्मा एक्स टू का स्क्वायर प्लस डेल एक्स बाय डेल एक्स एन का स्क्वायर सिग्मा एक्स एन का स्क्वायर ठीक है भाई ये हमने पढ़ा था अब इसमें भी मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है सिग्मा एक्स वन स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स टू स्क्वायर प्लस ऐसे आ जाता है और यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू में एब्सोल्यूट वैल्यू माने वही यूनिट होगी जो क्वांटिटी की यूनिट है जैसे एक्स वन मान लो वोल्टेज है तो सिग्मा एक्स वन की यूनिट भी वोल्ट्स में होगी तो दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में उसमें भी ऐसे ही था लेकिन वहां परसेंटेज वैल्यू यूज की थी हमने बट अगर कहीं पे कोई पावर रेज हो रही है जैसे पावर है आई स्क्वायर आर तो वहां करेंट की पावर टू है ना करेंट की पावर टू है तो बेसिक फॉर्मूला लगाओगे सिंपल अगर क्वांटिटीज एड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं तो ये वाला शॉर्टकट आप लगा सकते हैं समझ में आई सब लोगों को बात ये फिर इसके बाद प्रोबेबल एरर था एक प्रोबेबल एरर क्या था मतलब जिस एरर का आने का चांस मोर देन फिफ्टी परसेंट है पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव सिगमा एक था प्रिसीजन इंडेक्स कि आपकी मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है मेजरमेंट उतनी ही प्रिसाइज होगी जितना डेविएशन कम होगा तो इसको एच लिखा था वन बाय रूट टू सिग्मा सिग्मा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ठीक है भाई चलो अब क्वेश्चन देखो जरा फटाफट से क्वेश्चन देखो फटाफट से देखो एक पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो गया पाव, इसका मेजरमेंट का आर फॉर ग्रेटर देन वन मतलब आर फॉर ग्रेटर देन वन इस बात का तो मैं मतलब नहीं समझा रैंसम कह रहे हैं बी हाँ तो प्रोबेबल एरर है ना उसका मतलब है जिस एरर का आने का चांस 50 परसेंट से ज्यादा है यही ये एग्जाम्स में भी इसी लेवल का आएगा मेजरमेंट कौन सा बहुत हाई फाई आता है गेट में बाकी लोग बताओ भाई देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है वन बाय टू पाई रूट एल सी अब यहां कंपोजिट एरर वाला फंडा लगाओ परसेंटेज एरर इन फ्रीक्वेंसी इज हाफ परसेंटेज एरर इन एल है ना एल और सी की पावर हाफ है ना माइनस हाफ है बट हमें फर्क नहीं पड़ता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम एरर्स ऐड ही करते हैं तो टेन प्लस हाफ इंटू टेन दैट इज टेन परसेंट ठीक है भाई तो ए आएगा ट्वेंटी कहां से निकाल दिए भाई ए आएगा चल अगला ट्राई करो two voltage sources are connected in series errors are given in standard deviation the total voltage of this series combination is fatafadbanaye ओम कह रहे हैं सी डी ए डी डी देखो भैया सीरीज में हैं तो वोल्टेजेस ऐड होंगी अब मैंने अभी आपको एडिशन का शॉर्टकट बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन केस ऑफ एडिशन इज गिवन लाइक दिस जहाँ पे सिग्मा जो होते हैं वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में लेने होते हैं एब्सोल्यूट ही है क्योंकि वोल्ट्स में दे रखा है टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी नाइन तो रूट ट्वेंटी नाइन अप्रोक्सीमेटली फाइव पॉइंट फोर आ जाएगा तो so, वोल्टेज जो है दोनों का सम थ्री हंड्रेड प्लस माइनस फाइव पॉइंट फोर वोल्ट डी ठीक है आंसर विल बी डी अब आ जाओ भाई बेसिक्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पहले ये क्वेश्चन करो फिर मैं इसको फटाफट वर्बली रिवाइज कराता हूं क्योंकि इसमें कुछ खास न्यूमेरिकल पोर्शन है नहीं assume a hypothetical indicating instrument for which the initial spring constant is k s 1 has deflecting torque 0.3 into 10 to the power minus 3 i this meter is redesigned to give deflecting torque as 0.6 into 10 to the power minus 3 i square with the new spring constant k s 2 such that both meter give same deflection angle for 10 ampere current फाइंड द रेश ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बनाओ इसको प्रोबेबल है पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव सिग्मा बाय एन माइनस वन अंडर रूट नहीं यार पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव सिग्मा ही होता है देखो भाई आपको यह पता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एट स्टेडी स्टेट क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क तभी तो पॉइंटर रेस्ट पे आता है अब इसने बोला है दस एम्पियर पे दोनों के दोनों सेम डिफ्लेक्शन देते हैं तो आई को रखा दस और दूसरे केस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है बट डिफ्लेक्शन दोनों का सेम है अगर मेरे बच्चों आप दोनों इक्वेशन का रेशो ले लो अगर आप दोनों इक्वेशन का रेशो ले लो पॉइंट थ्री बाय सिक्स तो के एस वन बाय के एस टू इस पॉइंट जीरो फाइव ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि यहां आई स्क्वायर दे रखा है यहां आई दे रखा है या तो आई की कोई पावर मिस हो गई है बट यहां आंसर पॉइंट जीरो फाइव आएगा ठीक है तो नन ऑफ हो जाएगा ना आप देखो बेसिक्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहली चीज पढ़ते हैं कि इनके अंदर टॉर्क कौन कौन से होते हैं एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉइंटर मूवमेंट ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग आता है दूसरा होता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करके पॉइंटर को रेस्ट पे लाना कंट्रोलिंग टॉर्क दो तरह का हम लोग पढ़ते हैं एक होता है क्या स्प्रिंग कंट्रोल जहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क होता है के थीटा यहां पे हम पढ़ते हैं कि स्प्रिंग जो है वो किससे बनता है फॉस्फर ब्रॉन्ज से बनता है इसका काम क्या होता है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करना इसका काम क्या होता है जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चला जाए पॉइंटर को वापस जीरो पे लाना इसका काम होता है पॉइंटर को जीरो के नीचे ना जाने देना इसका काम होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में करंट को भी कैरी करना और स्प्रिंग में आप टेम्परेचर एरर कैंसिल करने के लिए दो स्प्रिंग का यूज करते हो जिन दोनों का टॉर्क अपोजिट होता है ताकि इनका नेट टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ देशर ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी भाई ठीक है स्प्रिंग में प्रॉब्लम क्या होती है टेम्परेचर बढ़ने से ढीला हो जाता है तो के घट जाता है और दूसरा एजिंग का इफेक्ट भी होता है ये होता है दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल ग्रेविटी कंट्रोल में टॉर्क कितना आता है एम जी एल साइन थीटा तो यहां टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क इज नॉट प्रोपोर्शनल टू थीटा इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा जिस कारण से इसका स्केल बनता है नॉन लीनियर डिजायरेबल, लीनियर स्केल इज ऑलवेज डिजायरेबल क्यों क्योंकि लीनियर स्केल में जो मार्किंग्स होती हैं, दे आर इक्वली स्पेस कैलिब्रेशन बिकम्स इजियर फिर इसके बाद आता है भाई डैम्पिंग टॉर्क डैम्पिंग में सबसे पहले होता है एयर फ्रिक्शन डैंपिंग यहां पर एयर का जो आपका फ्रिक्शन है विस्कॉसिटी है या प्रेशर है उसकी मदद से डैम्पिंग दी जाती है मैक्सिम इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज होता है दूसरा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग जहां फ्लूइड की विस्कोसिटी आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है यह यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में तीसरा होता है एडी एडीकरेंट डैम्पिंग जहां जो एडी एडीकरेंट इंड्यूज होते हैं दे विल प्रोवाइड यू द डैम्पिंग टॉर्क एंड इट इज यूज इन पी इंस्ट्रूमेंट तो इलेक्ट्रो एडी एडीकरेंट डैम्पिंग सिर्फ पी में फ्लूड फ्रिक्शन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में बाकी सभी जगह एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग डैम्पिंग का काम क्या होता है कि जो आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है दे आर द सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तो यहां पॉइंटर जब ओवरशूट करता और ऑसिलेट करता है स्टेडी स्टेट के अबाउट तो इन ऑसिलेशन को डैम्प आउट करने का काम करता है डैम्पिंग टॉर्क इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर ऑलवेज ऑलवेज सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर इज अ जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इसके बाद हमने एरर पढ़ा था एक एरर होता है फ्रिक्शनल एरर जो कि बियरिंग्स और स्पिंडल के बीच के फ्रिक्शन से आता है इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होना चाहिए टॉर्क टू वेट रेशो मस्ट बी हाई जो कि पीएमएमसी में होता भी है जिस कारण से पीएमएमसी का फ्रिक्शनल एरर मिनिमम होता है दूसरा होता है टेम्परेचर एरर टेम्परेचर बढ़ने से इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस बढ़ता है इंस्ट्रूमेंट का करंट कम होता है तो वो कम डिफ्लेक्शन देता है तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एरर बढ़ने से बढ़ती है अगेन इंस्ट्रूमेंट का इम्पीडेंस बढ़ने से करंट कम करंट कम तो डिफ्लेक्शन कम ये पूरा बेसिक था तो मुझे बताओ बेसिक ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई डाउट है क्योंकि ये प्योरली थ्योरी है जैसे ये तो क्वेश्चन हमने फेब्रिकेट कर दिया अच्छा क्वेश्चन बना दिया बट वैसे इन जनरल इसके अंदर कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो है नहीं जल्दी बोलो भाई कोई भी बेसिक ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में ऐसी चीज है जिसपे चर्चा करनी है कोई भी बात है जिसपे आपको क्लैरिटी चाहिए क्लियर ना सेटिस्फाइड चलो तो पीएमएमसी पे चलते हैं भाई अब पीएमएमसी में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा रखा पहले रिवाइज कर लेते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है एन आई ए बी इसमें मैंने आपको यह भी बताया कि कॉइल हमेशा कैसी होती है रेक्टेंगुलर होती है ठीक है कॉइल हमेशा आपकी रेक्टेंगुलर होती है फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा है इट मेजर्स एवरेज और डीसी वैल्यू और इसको हम लोग जी भी कह देते हैं ना जी होता है गेलवेनोमीटर कॉन्स्टेंट जब आप टी डी इक्वल टू टी सी करते हो तो थीटा आता है एन बी ए बाई के इसमें स्प्रिंग कंट्रोल यूज होता है ना आई अगर यहां पे स्प्रिंग ब्रेक होता है एक तो क्या होता है करंट जीरो हो जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो जाता है पॉइंटर कम्स बैक टू द जीरो पोजिशन क्योंकि दूसरा स्प्रिंग उसे जीरो पे ले आएगा यहां दो स्प्रिंग का यूज होता है ठीक है और इसका लिमिटेड रेंज होता है काफी काफी छोटा रेंज है इस इंस्ट्रूमेंट का ठीक है जिसको एक्सटेंड किया जाता है यूजिंग द शंट और द सीरीज रेजिस्टेंस चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो इसके अलावा कोई पॉइंट है पीएमएमसी का जिसपे चर्चा करनी है अभी एमीटर वोल्ट मीटर जाने दो वो आगे आएगा तब बताऊंगा बोलो भाई कोई और पॉइंट पीएमएमसी एम एमसी का जिसपे आप हमें हाँ बात करनी चाहिए बी आर ए देखे कैलकुलेट द करेंट रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ हंड्रेड डिग्री इफ कॉइल है बेस जिसपे कॉइल बांधी गई है एटीन एम एम वाइड लेंथ ट्वेंटी फाइव एम एम इन्हें यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी दिया है अब आपको क्या करना होता है आप जानते हो बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क ठीक है अब एन आई ए बी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई सिक्सटी करेंट हमें जानना है एरिया लेंथ इंटू विथ कर लीजिए ट्वेंटी फाइव इंटू एटीन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू पॉइंट फाइव इज़ वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू हंड्रेड डिग्री डिफ्लेक्शन दे है ना हंड्रेड डिग्री तो आई कितना आ रहा है भाई यहां पे ग्यारह पॉइंट ग्यारह आ रहा है चलो मान लेते हैं आप लोगों की बात की कैलकुलेशन सही किया होगा बी हाँ उसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगी भाई ऋतिक सिर्फ पीएमएमसी के अंदर जो है ना आपका उसमें होती है एडी करंट डैम्पिंग ठीक जी चलो अब आ जाओ रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट पे इसमें देखो मैंने क्या बताया था इसमें आपको क्या करना होता है रेक्टिफाई द इनपुट वेव रीडिंग कैसे लेते हैं वो मैं बता रहा हूं रेक्टिफाई द इनपुट वेव ठीक है कंप्यूट एवरेज अब हाफ वेव रेक्टिफायर में रीडिंग कितनी आती है इट इज टू पॉइंट टू टू एवरेज और फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी आती है भाई वन पॉइंट वन वन एवरेज और रेक्टिफिकेशन वही करना जैसा रेक्टिफायर हो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करो फुल वेव रेक्टिफायर है तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन आप करेंगे ये होता है और एक हम लोग क्या कहते हैं भाई हाफ वेव रेक्टिफायर में 0.45 फोर फाइव इंटू वी आर एम एस आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एम ये होता है एवरेज करेंट और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या चेंज आता है बस 0.9 हो जाता है यहां पे आर एस प्लस टू आर एफ प्लस आर एम ये हो जाता है आई एवरेज ठीक है इस टाइप से अब जरा क्वेश्चन देखें आ रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज अ पी एम एमसी मूवमेंट ऑफ फिफ्टी माइक्रो एम्पियर ये जो है फुल स्केल करेंट है एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ थाउजेंड ओम ये आर एम हो गया रेक्टिफायर सर्किट फॉरवर्ड तो देखो जब रेंज टेन वोल्ट है तो जब आपकी मैक्सिमम वोल्टेज लगी होगी ना टेन वोल्ट जो कि फुल स्केल वोल्टेज है तब आपका करेंट भी बेटा फुल स्केल आना चाहिए यानी कि फिफ्टी माइक्रो एम्पियर तो ऐसे सवाल को बनाते कैसे हैं देखो 50 माइक्रो एम्पियर करंट तब मिलेगा जब आप फुल स्केल वोल्टेज लगाते हो और जैसा मैंने कल भी बोला था एसी में जब कोई वोल्टेज गिवन होती है दैट इज आरएमएस अब सीरीज रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है ये टू टाइम्स आरएफ प्लस आरएम ठीक है तो ये हो गया नाइन नाइन बाय फिफ्टी माइक्रो एम्पियर तो आर एस प्लस इसको थ्री किलो ओम कह दो फिफ्टी माइक्रो एमपियर पॉइंट जीरो आर एस कितना हो गया 177 किलो ओम इस टाइप से सिंपली सॉल्व कर देना है ठीक है और यहां पे एक कैलिब्रेशन एरर भी बनता है कैलिब्रेशन एरर क्या होता है कि जो भी आपने रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाया वो साइनोसोइडल इनपुट को ध्यान में रखते हुए बनाया अब अगर आप और कोई वेव लगाओगे तो एक गलत रीडिंग देता है रीडिंग तो आप यहां से निकाल लेते हो और एक उस वेव फॉर्म का एक्चुअल आर होगा तो जो वेव फॉर्म का आर है वो है ट्रू वैल्यू यहां से जो वैल्यू आएगी दैट इज मेजर्ड वैल्यू इनमें जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द कैलिब्रेशन एरर बात चमक रही है हाफ वेव रेक्टिफायर की रीडिंग कितनी होती है 2.22 पॉइंट एवरेज फुल वेव रेक्टिफायर की 1.11 पॉइंट एवरेज तो यहां से जो वैल्यू आती है दैट इज मेजर्ड वैल्यू और एक जो आप ग्राफ देख के आर एम एस निकालोगे दैट इज द ट्रू वैल्यू दोनों से क्या आ जाता है कैलिब्रेशन एरर अब आ जाओ मूविंग आयरन पे मूविंग आयरन में आपने क्या देखा था भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हाफ इंटू आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा ठीक है डीएल बाई डी थीटा की जनरल यूनिट क्या ली जाती है नहीं समझ आए तो माइक्रो हेनरी पर रेडियन यहां पे तो आप एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ही यूज करते हो स्टेडी स्टेट में आप टी डी इक्वल टू टी सी करते हो जिससे कि यहां पे थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आता है यानी नॉन लीनियर स्केल लेकिन ये आई स्क्वायर आने की वजह से ही इट कैन मेजर ए सी एज वेल एज डी सी ठीक है डीसी एज वेल एज ए सी लेकिन ए सी में क्या मेजर करता है आर एम एस मेजर करता है इसके अंदर लीनियर स्केल अगर आपको चाहिए तो उसकी कंडीशन क्या होती है थीटा डी एल बाय डी थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी एरर यानि फ्रीक्वेंसी के साथ रीडिंग वेरी होती है क्योंकि इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी होती है इसके लिए इसके एमीटर में क्या करते हैं इसके एमीटर में जो शंट लगता है उसको हम लोग ऐसे लगाते हैं जिससे मीटर और शंट का टाव बराबर हो जाए इससे फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंस मिल जाती है ना हमें तो आर एस एच होता है आर एम डिवाइडेड बाई एम माइनस वन और वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में एक कंपेंसेटिंग कैपेसिटर लगाते हैं और ये कितना होता है भाई पॉइंट फोर वन एल एम आर एस का स्क्वायर ठीक है फ्रीक्वेंसी एरर को हटाने के लिए अब ये सवाल सॉल्व करो भाई क्लियर है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में इतना ही था दो तरह के होते हैं रिपल्सिव और अट्रैक्टिव उसमें से रिपल्सिव को ज्यादा फेवर किया जाता है एस कंपेयर टू अट्रैक्टिव अब क्वेश्चन क्या कह रहा है द इंडक्टेंस ऑफ अ मूविंग एम मीटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एल दे रखा है डिफ्लेक्शन फॉर अ करेंट ऑफ एट एम्पियर अगर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इतना है अब देखो जब भी आपको कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के पैरामीटर दे दे तो आप क्या करेंगे आप सिंपली दोनों को इक्वेट करेंगे डिफ्लेक्शन पूछा है ना डिग्री में पूछा है यहां तो ये न्यूटन मीटर पर रेडियन दिया है तो रेडियन में लेके चलो बाद में डिग्री कर लेंगे एट एम्पियर का करंट है डीएल बाई डी थीटा कितना होगा फाइव माइनस फोर थीटा ठीक है माइक्रो हेनरी है तो टेन की पावर माइनस सिक्स टेन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स थीटा टेन की पावर माइनस सिक्स कट गया सिक्सटी फोर थर्टी टू टेन थर्टी टू तो या फिर ऐसे कर लो थर्टी टू से वन सिक्स माइनस वन ट्वेंटी एट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा हो गया वन सिक्सटी 138 वन थर्टी एट रेडियन ठीक है अब डिग्री में करना है तो पाई वन एट्टी पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 66.43 डिग्री और राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है तो 66 डिग्री ठीक है एग्जाम में ये ध्यान रखना देखो सबने डेसिमल में दिया है एक ऋतिक ने सही दिया है 66 पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर तो गेट में ना एन क्वेश्चन में केयरफुल रहना कि ये गलती ना कर दो आप बात क्लियर हो गई चलो अब आते हैं डायनेमोमीटर पे डायनेमोमीटर में हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या निकाला था देखो डीसी के, के केस में आया था आई वन आई टू डीएम बाई डी थीटा यह आया था डीसी के, के केस में और एसी के, के केस में क्या आया था आई वन आई टू कॉस फाइ डीएम बाई डी थीटा यहां पे आई वन और आई टू क्या थे आरएमएस थे और फाइ क्या था इन दोनों के बीच में फेस शिफ्ट था ठीक है यहां पे दो कॉइल होती है ना एक फिक्स कॉइल और एक मूविंग कॉइल तो दोनों के करंट के बीच में फेस शिफ्ट था फाइ का और इसका यूज काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में होता है एमीटर, वोल्टमीटर, वोल्ट मीटर वॉट मीटर पावर फैक्टर मीटर फ्रीक्वेंसी मीटर ये सब जगह इसका यूज होता है मैगर में भी अब जरा क्वेश्चन देखिएगा in a electrodynamometer instrument the resistance of voltage coil is 8 ohm mutual inductance changes from 173 micro henry minus 173 at 0 deflection to plus 175 angle of full scale being 95 degree if a potential difference 100 volt is applied across the voltage circuit and a current of 3 ampere at 0.75 power factor is passed through current coil what will be the deflection करो जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डिफिकल्ट नहीं है बस लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी है आया भाई आंसर फटाफट इस क्वेश्चन को बनाओ एंड जस्ट गिव मी अ मिनट हाँ भाई सिद्धार्थ कह रहे हैं सर मेरा सिलेक्शन अदानी में हो गया है क्या मेरे को गेट क्लियर करना मैंडेटरी है बेटा ये तो उनके लॉज में आपको देखना पड़ेगा ना जो रिक्रूटमेंट उन्होंने निकाला था चलो अब इधर आ जाओ यहाँ पे देखो सबसे पहले ना डी एम बाई डी थीटा निकालो और ये माइक्रो हेनरी पर रेडियन में निकालना कितना चेंज आया बेटा वन सेवेंटी फाइव पहुँच गया और चालू हुआ था माइनस वन सेवेंटी थ्री से और चेंज इन एंगल कितना आया 95 डिग्री क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन से शुरू हुआ था ना तो ये कितना आ जाएगा देखें जरा टू जीरो नाइन पॉइंट एट एट ये आया अब यहाँ पे ये देखो पोटेंशियल कॉइल पे आपने 100 वोल्ट लगाया है पोटेंशियल कॉइल पे अगर 100 वोल्ट लगाया और उसका रेजिस्टेंस 8 ओम है साढ़े बारह एम्पियर हो गया और आई जो है 3 एम्पियर है अब ये क्या पूछ रहा है वॉट विल बी द डिफ्लेक्शन अब देखो आप लोग ये जो फाइ है दोनों के बीच का जो एंगल है वो पावर फैक्टर से आ जाएगा कॉस इनवर्स पॉइंट सेवन फाइव यह कितना आ रहा है फोर्टी वन पॉइंट फोर वन तो आई वन आई टू कॉस फाइव डीएम बाई डी थीटा तो ट्वेल्व आ रहा है सॉरी साढ़े बारह तीन कॉस फाइव कॉस फाइव पॉइंट सेवन फाइव है टू जीरो नाइन पॉइंट एट एट पर रेडियन इज इक्वल टू के थीटा के कितना है फोर पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स इन टू यहां तो थीटा बहुत बड़ा आ जा रहा है फिर मुझे क्या लगता है ना यहां पे, यहां पे ना आप डिग्री में ही रहने दो जो बाय डिफॉल्ट एंगल दे रखा है क्योंकि वरना बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी थीटा की विच इज नॉट पॉसिबल डीएम बाई डी थी टाइग ना एक्चुअली दोनों यूनिट होती हैं बट बाय डिफॉल्ट जो ज्यादातर हमको यूज करनी चाहिए वो करनी चाहिए माइक्रो माइक्रोहेनरी पर रेडियन थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री टोट साढ़े बारह इंटू तीन इंटू पॉइंट सेवन फाइव इंटू 22.25 फिर भी आ रहा है रेडियन ठीक है ये आ गया बट वैसे इतना आना नहीं चाहिए मेरे को लग रहा है ना इसने बहुत ज़्यादा वो दे दी है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्योंकि फुल स्केल ही 95 डिग्री है हमारा डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो इतना हाई आ जा रहा है कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि ग्रेटर देन फुल स्केल तो थीटा विल बी 95 डिग्री फुल स्केल के आगे तो नहीं जा सकता ना फुल स्केल के आगे तो नहीं जा सकता ये बात समझ में आ रही है और ये जो वैल्यू आ रही है तो फुल स्केल से बड़ी आ गई ना तो 95 डिग्री ही आएगा चलो अब एमीटर वोल्ट मीटर पे आ जाते हैं भाई फटाफट से ठीक है आज थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि लास्ट डे है तो अपने को बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है एमीटर वोल्ट मीटर इसमें सबसे पहले एमीटर के बारे में आपने क्या पढ़ा था भाई आपने ये पढ़ा था यहां मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकाला जाता है एम इज योर न्यू रेंज बाय ओल्ड रेंज इसको एक और नाम इसको एक और फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं टोटल करेंट बाय मीटर करेंट और यहां पे जो शंट रेजिस्टेंस लगता है दैट इज द मीटर रेजिस्टेंस बाय एम माइनस वन और ये जो शंट बनता है ये किस मटेरियल का बनता है मैंगनिन या कॉन्स्टेंटेन का और इसका ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत कम होता है वहीं मीटर की जो कॉइल है वो कॉपर की बनती है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है तो यहाँ पे कौन सा एरर आ जाता है भाई टेम्परेचर एरर आ जाता है टेम्परेचर एरर को मिटिगेट करने के लिए रिमूव करने के लिए क्या करते हो कनेक्ट स्वैम्पिंग रजिस्टर स्वैम्पिंग रजिस्टर इन सीरीज विद मीटर और ये जो स्वैम्पिंग रजिस्टर बनता है ये भी किससे बनता है मैंगनिन और से ठीक है ये हो जाता है दूसरा हमने इसके अंदर पढ़ा भाई वोल्ट मीटर आप लोग मुझे बता देना अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगता है जिस पे चर्चा करने की जरूरत है यहां पे भी M का तो यही फॉर्मूला रहता है बस यहां पे क्या होता है करंट की जगह वोल्टेज टोटल वोल्टेज बाय मीटर वोल्टेज यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस लगता है भाई जिसकी वैल्यू होती है आर एम इंटू एम माइनस वन यहाँ मीटर की सेंसिटिविटी होती है विच इज वन बाय आई एफ एस और इसकी यूनिट होती है ओम पर वोल्ट और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर एस प्लस आर एम डिवाइडेड बाय वी एफ एस स्केल वोल्टेज क्लियर यह आता है आपका एमीटर और वोल्ट मीटर का केस चलो ये क्वेश्चन बनाओ अग कॉइल एम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टेनोम करेंट फाइव मिली एमपी इट इज यूज टू मेजर करेंट अप टू वन एमपी बाई एडिंग अंट रजिस्टर आर एस एच इट इज कन्वर्टेड टू अ वोल्ट मीटर जीरो वैल्यू बतानी है चलो बनाओ इसको फटाफट कोई कह रहा है बी कोई कह रहा है सी चलो देखें पहला केस है जब इसको आपने एमीटर बनाया ठीक है जब आपने बेटा इसको एमीटर बनाया तो आपको डिफ्लेक्शन कितना चाहिए था वन एमपीयर और इसका कितना था फाइव मिली एमपियर इसका फुल स्केल था वन बाय फाइव मिली एम्पियर तो दो सौ आया आप जानते हो आर एस एच होता है आर एम बाय एम माइनस वन तो टेन बाय वन नाइनटी नाइन पॉइंट जीरो फाइव के आसपास आएगा उससे बड़ा ही आएगा तो ये आ रहा होगा ठीक है मैंने पता है कैसे अंदाजा लगाया टेन बाय टू हंड्रेड होता तो पॉइंट जीरो फाइव आता अब डिनोमिनेटर टू हंड्रेड से थोड़ा छोटा है तो ये आएगा आपका टू पॉइंट जीरो फाइव से बड़ा अब देखो आपको वोल्ट मीटर में रेंज कितनी चाहिए पांच वोल्ट पहले रेंज कितनी रही होगी रेजिस्टेंस इंटू करेंट तो दैट इज फिफ्टी फाइव मिली एम्पियर इंटू टेन फिफ्टी मिली तो ये आ गया हंड्रेड तो अब आर सीरीज आर एम इंटू एम माइनस वन नाइन नाइनटी ओम टेन इंटू नाइनटी नाइन तो आंसर विल बी बी ठीक है आंसर बी आ गया मेजरमेंट से कितने नंबर का आ सकता है मैक्सिमम चार मिनिमम दो मिनिमम वैसे जीरो भी हो सकता है अगला करना ये जो डी आर सोन वाल मूवमेंट है ये पीएमएमसी ही होता है ठीक है नाम में कंफ्यूज मत हो जाना ये पीएमएमसी को ही बोलते हैं डी आर सोन वाल मूवमेंट अब ये तो अरुण देखो आई के हाथ में कितने मार्क्स का होगा और अब तो चौबीस घंटे से भी कम रह गए इतने बजे तो तुम पेपर सॉल्व कर रहे होगे कल तुम सभी लोग कल मचा रहे हो एग्ज़ाम में इतने बजे तो अभी कमेंट का है डिलीट करते रहते हो तुम लोग पहले कुछ बोलोगे फिर तुरंत हटा दोगे या तो बोलो नहीं या तो हटाओ नहीं सी रहा है देखो वोल्टमीटर की बात है ना तो पहले फुल स्केल वोल्टेज निकाल लो दैट इज आई एफ एस मल्टीप्लाइड बाय द मीटर रेजिस्टेंस अब फुल स्केल करंट कितना है टेन मिली एम है मीटर का रेजिस्टेंस कितना है फाइव हंड्रेड ओम है तो ये आ गया फाइव वोल्ट अब पहली रेंज के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा ट्वेंटी बाय फाइव इक्वल टू फोर दूसरी रेंज के लिए क्या होगा 50 बाय फाइव इक्वल टू टेन और तीसरी रेंज के लिए क्या होगा 100 बाय फाइव इक्वल टू ट्वेंटी ठीक है अब आर एस वन आर एम इंटू एम माइनस वन करते हो ना तो थ्री आर एस टू आर एम इंटू एम माइनस वन करते हो इसीलिए नाइन आर एस थ्री आर एम इंटू एम माइनस वन करते हो तो एम माइनस वन हो गया नाइनटीन तो थ्री इज टू नाइन इज टू नाइनटीन आंसर विल बी सी है ना रेशियो क्लियर दिख रहा है थ्री इज टू नाइन इज टू नाइनटीन ठीक है अब इसके बाद वॉट मीटर रिवाइज कर लें फटाफट से हाँ जी ये काफी इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पहली चीज यहां डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना आता है पी एवरेज बाय रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस पोटेंशियल कॉइल के साथ जो लगता है वोल्टेज कॉइल के साथ जो लगता है इन टू डी एम बाई डी थीटा यह हो गया आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सेकेंड थिंग रीडिंग ऑफ वॉट मीटर यह होती है वीपीसी आईसी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वीपीसी एंड आई ठीक है यह हो जाता है आपका रीडिंग ऑफ दी वॉटमीटर करेक्ट बात है तीसरा इसके बाद क्या होता है बेटा अगर पोटेंशियल कॉइल नियर लोड होती है तो आप इसको कहते हो एल सी कनेक्शन और अगर करेंट कॉइल नियर लोड होती है देन इट इज सेट टू बी एम सी कनेक्शन ठीक है फिर आता है टू वॉट मीटर मेथड ये टू वाट मीटर मेथड कहां पे चलता है भाई ये दो जगह चलता है एक तो थ्री फेस बैलेंस सिस्टम में चलता है और दूसरा थ्री फेस अनबैलेंस्ड लेकिन थ्री वायर यानी जिसमें न्यूट्रल ना हो ठीक है अब ये जो टू वॉट मीटर मेथड होता है इसमें आपका W1 वन जो कि बी और वाई के बीच में लगता है उसकी रीडिंग कितनी आती है VL IL cos एल कॉस थर्टी माइनस फाइव डब्लू टू जो कि आर और वाई के बीच में लगता है उसकी रीडिंग आती है VL IL कॉस थर्टी प्लस फाइव करेक्ट ठीक है अब यहां पे जो रियल पावर आती है वो आती है W1 वन प्लस डब्लू रिएक्टिव पावर जो आती है रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू और यहां से tan फाइव जो आता है दैट इज और ये सब हमने लैगिंग पावर फैक्टर के लिए डेराइव कर रखा है ना भाई तो यहां पे लैगिंग पावर फैक्टर के लिए आप फाइव को पॉजिटिव ही रखिएगा और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए क्या कीजिएगा लीडिंग पावर फैक्टर के लिए फाइव को नेगेटिव कर देना ठीक है भाई फाइव को नेगेटिव कर देना नहीं स्टार डेल्टा दोनों के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ स्टार के लिए नहीं है प्रोबेबल एरर विद रेस्पेक्ट टू मीन विद रेस्पेक्ट टू मीन ही तो आ रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड तो विद रेस्पेक्ट टू मीन ही आती है ठीक है और देखो ऋतिक अननेसेसरी कॉन्सेप्ट में मत पढ़ो अगर किसी टेस्ट सीरीज ने पूछ लिया हम लोग टेस्ट सीरीज की नहीं बेटा गेट की तैयारी कर रहे हैं गेट में आज तक ऐसा कोई अटपटा सा सवाल आया नहीं है समझ रहे हो आप लोग पता है क्या किस चीज़ से घबरा रहे हो मैं कल से देख रहा हूँ एक चीज़ की टेस्ट सीरीज ने ऐसा पूछ लिया था सर ये भी बता दो अरे टेस्ट सीरीज में जितनी चीज़ें पूछी जा रही है सब थोड़ी हमें तैयार करनी है हमें क्या देखना है प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया क्योंकि वैसे ही सवाल बनते हैं ठीक है टेस्ट सीरीज के अनुसार नहीं करना है उनका तो अलग ही कॉम्पिटिशन है टफ बनाने का अब यहां पर स्टैटिस्टिक्स में इतनी सारी चीजें हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे बट चीजें खत्म नहीं होंगी और ये क्या करते हैं ना टेस्ट सीरीज वाले स्टैटिस्टिक्स का कोई कॉन्सेप्ट उठा लिया उसको मेजरमेंट में डाल के दे दिया चाहे उसका मेजरमेंट से कोई वास्ता हो चाहे ना हो बस क्वेश्चन अच्छा बनना चाहिए तो एक रीडिंग नेगेटिव आ जाती है भाई यहां पे इसके अंदर एक फंडा और बहुत अच्छा था इफ करेंट कॉइल इज कनेक्टेड इन वन फेस एंड पोटेंशियल कॉइल एक्रॉस अदर टू फेजेस रीडिंग इक्वल टू वी एल आई एल साइन फाइव विच इज रिएटिव पावर बाय रूट थ्री ठीक है तो यहां पर डायरेक्टली एक रीडिंग एक वॉटमीटर से आप चाहो तो रिएक्टिव पावर निकाल सकते हो अब इतना तो देखो इसके अंदर रीडिंग के बारे में था अब एरर्स की बात आ जाती है पहला था ड्यू टू कनेक्शन इसमें मैंने क्या बताया था भाई कि जो भी कॉइल या फिर ऐसे लिख दो एरर इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड बाय कॉयल नियर टू लोड जो भी कॉइल लोड के पास है उसमें जो पावर जा रही है दैट इज योर एरर जैसे एम सी कनेक्शन है जिसमें कि करेंट कॉयल नियर द लोड है तो वहां पे होगा आई एल स्क्वायर आर सी और अगर एल सी कनेक्शन है जहां पोटेंशियल कॉइल नियर द लोड है तो उसमें होता है वीएल स्क्वायर बाय आर एस पैरडल में लगती है ना तो वी स्क्वायर बाय आर सीरीज में लगती है तो आई है रुपेश भाई कुछ मत करो नोट्स रिवाइज कर सकते हो नोट्स रिवाइज कर लो अब लग जो भी रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता कल एग्जाम देने जाना ही है ओवर थिंकिंग करोगे बैठ के तो भाई टेंशन आएगी आएगी अब अधूरा प्रिपेयर किया है कि 60 परसेंट के 75 परसेंट क्या फर्क पड़ता है और अगर ऑनेस्टली तुमने एंड गेम अटेंड किया है और एंड गेम में तुमसे सवाल बन रहे हैं तो सब्जेक्ट अधूरा तो नहीं हो सकता ठीक है कैसे हो सकता है मैं तो हर कॉन्सेप्ट के सवाल बनवा रहा हूँ ड्यू टू पोटेंशियल कॉयल इंडक्टेंस यहां पे बीटा लिया जाता है टेन इनवर्स ओमेगा एल पी बाय आर एस और एरर क्या होता है एरर होता है यहां पे टेन फाइव टेन बीटा इंटू हंड्रेड परसेंट लेकिन ये जो एरर का फॉर्मूला है ये कब चलता है जब आपका बीटा स्मॉल होता है ठीक है इसके केस में एब्सोल्यूट एरर क्या आता है वी आई साइन फाइ टेन बीटा ठीक है वी आई साइन फाइव टेन बीटा और यहां अगर आपको बेसिक से निकालना है तो मेजर्ड पावर होती है वी आई कॉस बीटा कॉस फाइव माइनस बीटा और ट्रू पावर होती है वी आई कॉस फाइव फिर इसके अंदर एक होता है कि एल पी एफ वॉट मीटर जब हम बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इसमें रिड्यूस रिड्यूज आर एस एंड कनेक्ट कॉम्पेंसेटिंग कैपेसिटर अक्रॉस आर एस फिर तीसरा होता है भाई एरर इन एल सी कनेक्शन एल सी कनेक्शन में ये होता है ना करेंट कॉयल में एक्स्ट्रा फ्लक्स होता है एक्स्ट्रा करेंट होता है इसमें क्या होता है करेंट कॉयल का जो करेंट है वो पोटेंशियल कॉयल प्लस लोड करेंट होता है इससे फ्लक्स बढ़ता है टॉर्क बढ़ता है और डिफ्लेक्शन ज़्यादा आता है इसके लिए क्या किया जाता है भाई इसके लिए हम लोग करते हैं कॉम्पेंसेटिंग कॉयल हैविंग सेम टर्न्स एज करेंट कॉयल एक कॉम्पेंसेटिंग कॉयल लगाई जाती है जिसके सेम टर्न्स होते हैं एज करेंट कॉयल ठीक है और इसको बोलते हैं बाई फीलियर वाइंडिंग डबल लेयर वाइंडिंग हो जाती है ना बाकी कोई एरर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड या ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है क्लियर चलो वॉट मीटर पर सवाल देखें रुपेश ये बताओ भाई जब सवाल बना रहे थे जब हम लोग करा रहे थे एंड गेम में तब बन रहे थे या नहीं बन रहे थे सवाल बताओ अभी जैसे एंड गेम में मेजरमेंट के सवाल करा रहा हूं तो मेजरमेंट का सवाल बन रहा है जो कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं ये रिकॉल हो रहे हैं ये सारी चीजें

जल्दी बताओ भाई इसका आंसर नहीं आया किसी का देखो R और Y वाले की रीडिंग है जीरो आर और वाई होता है थर्टी प्लस वाई फाइव वाला इसका मतलब हुआ कि फाइव होना चाहिए सिक्सटी तो यहां पे क्या करोगे बी और वाई वाले की आती है ना थर्टी माइनस फाइव तो वी दिया है चार सौ एल दिया है दस cos थर्टी माइनस सिक्सटी कॉस्ट थर्टी टू थाउजेंड रूट थ्री थ्री पॉइंट फोर सिक्स किलो वॉट और वॉट में क्या लिख दोगे थ्री फोर सिक्स फोर ठीक है यही आ रहा है इजी अगला देखो

कनेक्शन रिवर्स कब करते हैं भाई कनेक्शन रिवर्स तब करते हैं जब रीडिंग नेगेटिव होती है क्योंकि वॉट मीटर नेगेटिव रीडिंग नहीं ले पाता तो ये मत सोचना माइनस थाउजेंड रिवर्स करके आया माइनस थाउजेंड इज द एग्जैक्ट वैल्यू उसके लिए हमने रिवर्स किया होगा थाउजेंड आई होगी तब हमें पता चला रीडिंग क्या होनी चाहिए माइनस थाउजेंड तो कन्फ्यूज मत हो जाना लैंग्वेज में चलो बनाओ देखो मैं बनवाऊं यहां रियल पावर क्या है भाई चार हजार ठीक है फाइव क्या है टेन इनवर्स रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू ओवर डब्लू वन प्लस डब्लू टू 68.948. अब ये कह रहा है कितना कैपेसिटर लगाएं कि पूरी रीडिंग एक पे आ जाए ऐसा तभी होगा बेटा जब नया एंगल 60 डिग्री आएगा क्योंकि 60 डिग्री आने पे एक एक वॉटमीटर की रीडिंग जीरो हो जाती है अब आपको तो पता ही है पावर फैक्टर करेक्शन का फॉर्मूला ये बेसिकली पावर फैक्टर करेक्शन का ही तो सवाल है बस इसको टू वॉटमीटर मेथड से जोड़ दिया गया है इंटू टेन फाइव वन माइनस टेन फाइव टू थ्री फोर सिक्स थ्री पॉइंट नाइन फाइव अब ये आ गया कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन डेल्टा कैपेसिटेंस अगर बेटा डेल्टा कनेक्टेड है तो थ्री इंटू ओमेगा इन टू सी पी एच वी पी एच स्क्वायर अब वी पी एच और वी एल तो बराबर ही होंगे डेल्टा कनेक्शन के लिए वी पी एच और वी एल तो बराबर होंगे तो ये आया 18.98 पॉइंट नाइन एट आ रहा है यही आ रहा है क्या 68.948 ये तो ठीक है बट ये 18.98 आ रहा है। तो कॉज होल ऑफ द पावर मेजर्ड बाय वॉट मीटर ए तो वॉट मीटर बी की रीडिंग जीरो हो जानी चाहिए तो 60 डिग्री एंगल आना चाहिए यही आ रहा है यार 18.98 है ना तो नन ऑफ दीज हो जाएगा फिर इसका चलो अब एनर्जी मीटर पे आ जाएं एनर्जी मीटर में सबसे पहली चीज़ क्या है ये एक इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है भाई जो पावर को इंटीग्रेट करके एनर्जी बताता है हमको इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ जो मेजर्ड पावर होती है दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट ये आती है साइन डेल्टा माइनस फाइ और वहीं ट्रू पावर कितनी होती है वी आई कॉस यहां पे डेल्टा का वैल्यू क्या होता है डेल्टा इज बेसिकली एंगल ऑफ लैग बिटवीन वीपीसी एंड फाइव पी सी पोटेंशियल कॉल वोल्टेज एंड फ्लक्स और फाइव तो पावर फैक्टर एंगल हो ही जाता है यहां पे एक आता है मीटर कॉन्स्टेंट मीटर कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है भाई रेवल्यूशन पर किलो आवर तो यहां पे आपका जो क्या होता है एनर्जी से हम एरर निकालते हैं तो ट्रू एनर्जी होती है वी आई कॉस फाइव बाई थाउजेंड ये वॉट में किलो वॉट में आ जाती है और टाइम बाय थर्टी सिक्स हंड्रेड ये आवर में आ जाता है और मेजर्ड एनर्जी क्या होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय द मीटर कांस्टेंट ये आती है मेजर्ड एनर्जी तो जब भी आप मेजर मीटर कांस्टेंट का यूज करोगे तो आपको मेजर्ड एनर्जी मिलेगी और जब जब आप पावर इनटू टाइम करोगे यू विल ऑलवेज गेट द ट्रू वैल्यू ठीक है ये हमारा एरर होता है इसके बाद इसके अंदर क्या होता है भाई एक फ्रिक्शन कॉम्पेंसेशन होता है कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए टॉर्क बढ़ाना है तो फ्रिक्शन कॉम्पेंसेशन कैसे करते हैं शेडिंग रिंग या शेडिंग कॉयल का यूज करके लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है फ्रिक्शन ओवर कॉम्पेंसेट हो जाता है क्योंकि आप जो है स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहे हो और वहीं जब डिस्क घूमेगी तो उस पर लगेगा डायनामिक फ्रिक्शन डायनामिक फ्रिक्शन स्टैटिक से कम होता है इसीलिए ओवर कंपनसेशन हो जाता है जिससे आता है क्रीपिंग एरर क्रीपिंग एरर में क्या होता है भाई कि अगर आपका लोड नहीं भी लगा तो भी डिस्क आपका रोटेशन करती है तो यहाँ पे कितना होता है क्रीपिंग एरर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ड्यू टू क्रीपिंग कितने एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन किए अपॉन नंबर ऑफ रेव ड्यू टू लोड ये आपका होता है क्रीपिंग एरर लोड के अनुसार कितने करने चाहिए थे और क्रीपिंग के अनुसार कितने एक्स्ट्रा किए ठीक है इसके बाद ओवर वोल्टेज ओवर करेंट टेस्टिंग वो सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फैंटम लोडिंग एंड ऑल उस पर सवाल नहीं आता हाँ, रिएक्टेंस पहले भी होगा लेकिन वो पैरेलल में होगा ना बेटा पावर फैक्टर करेक्शन जैसा मैंने पावर सिस्टम मशीन में पढ़ाया है रियल पावर तो सेम रहती है क्योंकि कैपेसिटर तो कोई रियल पावर कंज्यूम करेगा नहीं तो हम क्या बोल देते हैं कि रिएक्टिव पावर जो कैपेसिटर की होगी वो कितना होगा लोड की रिएक्टिव पावर माइनस अब जो टोटल रिएक्टिव पावर है ओल्ड माइनस न्यू इज द रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर और वहां से कैपेसिटेंस आ जाता है जो तुम्हारा पॉइंटर रिएक्टेंस वाला ये तब यूज करते हैं रिएक्टेंस वाला मेथड जब सीरीज में कैपेसिटर लगता है हम क्या कहते हैं सीरीज में कैपेसिटर लगने से इंपिडेंस मॉडिफाई हो जाती है सीरीज में बोला है क्या नहीं डेल्टा साइड पे लगाया ना जेड से अलग तो आएगा ही क्योंकि जेड वाला मैथड कब यूज करते हैं सीरीज कैपेसिटेंस में ठीक है सीरीज कैपेसिटेंस में यूज करते हैं जब शंट कैपेसिटेंस होती है तो यही लगाया जाता है पी टेन फाइव वन माइनस टेन फाइव टू और अब आके क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई पावर सिस्टम में मशीन में करते तो आ रहे हो पावर फैक्टर करेक्शन अब तुम एकदम से कंफ्यूज हो जा रहे हो इंपीडेंस में चले जा रहे हो ठीक है रैनसम भाई उसके लिए सीरीज कैपेसिटर होना चाहिए देखो क्या बोला है एट द सोर्स तो सोर्स पे लगाए ना ये कैपेसिटर ये लोड के सीरीज में थोड़ी लगाए चलो ये ट्राई करो क्वेश्चन जब सीरीज कैपेसिटर होता है ना तब क्या करते हैं कि हम रेजिस्टेंस कांस्टेंट करके कॉस फाइव से या फाइव से पुराना और नया रिएक्टेंस निकाल लेते हैं जैसे आर टेन फाइव वन माइनस आर टेन फाइव टू वो एक्सी हो जाता है एक्ससी होता है वन बाय ओमेगा सी और वहां से सी आ जाता है ठीक है पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं वोल्टेज करेंट पावर फैक्टर से और फिर आर टेन फाइव वन माइनस टेन फाइव टू चलो ये आंसर दो भाई फटाफट से अब देखो बड़ा टॉपिक तो तुम्हारा पूरा हो ही गया कितनी फटाफट हो गया ए आ रहा है चलो देखें एन एनर्जी मीटर इज डिजाइन टू मेक टू हंड्रेड यूनिट होता है आवर तो बेसिकली इसने ना के दे दिया 200 हंड्रेड रेवोल्यूशन पर किलो वॉट आवर कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड इट वेन कनेक्टेड टू अ लोड कैरिंग फिफ्टी एम पी टू हंड्रेड वोल्ट पॉइंट फाइव पावर फैक्टर तो देखिए एनर्जी निकाल लीजिए 200 वोल्ट है 50 एम्पियर है 0.5 पावर फैक्टर है ये किलोवाट में करने के लिए थाउजेंड से डिवाइड किया और टाइम बाय डिफॉल्ट वन आवर दे रखा है तो 200 सौ इंटू पाँच हजार तो दस बज गया पाँच अब पूछ रहा है कितने रेवोल्यूशन लेने चाहिए थे 200 लेता है वन यूनिट के लिए तो पांच यूनिट के लिए लेगा हजार लेकिन ले रहा है 1200, ले रहा है 1200, तो 1200 का मतलब मेजर्ड एनर्जी कितनी हुई 1200 सो बटे दो 6, ये मेजर्ड एनर्जी हुई तो मेजर ट्रू से ज्यादा है ना अगर मेजर ट्रू से ज्यादा है माने मीटर इज फास्टर मीटर तेज चल रहा है पहले ऐसे ही कहते जब बिजली का बिल ज्यादा आ जाता ना मीटर बड़ा तेज चल रहा है हमारा तो मीटर इज फास्टर और कितना फास्टर है आप ऐसे निकाल लो मेजर्ड एनर्जी माइनस ट्रू बाय ट्रू इन टू हंड्रेड परसेंट तो ये आ गया ट्वेंटी परसेंट बीस प्रतिशत ठीक है ए ट्वेंटी परसेंट फास्ट क्लियर चलो ये करो एनर्जी मीटर का चलो फटाफट बनाओ ये मैंने बताया था ना फैंटम लोडिंग में क्या होता है कि रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट लगा देते हैं पोटेंशियल और करंट कॉइल पे एक्चुअली लोड कनेक्ट नहीं करते हैं वन फाइव जीरो अरे रेटिंग्स को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई फैंटम लोडिंग का तो पर्पज ही ये होता है ना कि रेटेड से कम पावर कंज्यूम करेगा कितनी पावर कंज्यूम करेगा दैट विल बी इक्वल टू द लॉसेज देखें एक बार देखो यहां पे क्या होता है ना फैंटम लोडिंग में आप क्या करते हो पोटेंशियल कॉइल को आप सप्लाई करते हो रेटेड वोल्टेज और करंट कॉइल को आप सप्लाई करते हो रेटेड करंट और यहां पे पावर कंज्यूम्ड जो होती है दैट इज इक्वल टू लॉसेस ठीक है अब यहां पे देखो क्या बोला है पावर पूछी है अब पोटेंशियल कॉयल को रेटेड वोल्टेज दी या आ गया करंट कॉयल में रेटेड करंट और 6 वोल्ट की बैटरी लगी है बट सर 5 स्क्वायर इंटू पॉइंट टू होना चाहिए ठीक है 5 स्क्वायर इंटू पॉइंट टू होना चाहिए लेकिन मेरे बच्चों यहां पे मैं सिक्स इंटू फाइव क्यों कर रहा हूं क्योंकि ये बैटरी अगर छह वोल्ट की और पांच एम्पियर करंट सप्लाई करेगी माने इस बैटरी के साथ भी आपने कोई रेजिस्टेंस लगाया होगा जिसकी मदद से आप रेटेड करंट एग्जीक्यूट कर रहे हो मेक श्योर कर रहे हो कि रेटेड करंट सिस्टम में फ्लो करें तो आंसर विल बी थर्टी फाइव पॉइंट एट वॉट चमका अगर ये नहीं देता ना ये मुझे सिक्स वोल्ट बैटरी तो मैं फाइव स्क्वायर इंटू पॉइंट टू कर देता लेकिन उसने मुझे बताया सिक्स वोल्ट की बैटरी से पांच एम्पियर करेंट निकाल रहे हो कैसे इस पॉइंट टू के साथ साथ एक और रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया होगा जिससे आपका फाइव एम्पियर करेंट आ रहा है ठीक है अब ये देखो जरा ये क्वेश्चन करो ये वाला क्वेश्चन मनाओ भाई सभी लोग हाँ पोटेंशियल कॉयल का रेजिस्टेंस हाई होता है लेकिन ये नहीं होता कि वो हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए टू मिनिमाइज द एरर रेजिस्टेंस तो इसलिए हाई रखते हैं संदीप क्योंकि वो सप्लाई के पैरल में जाएगा बेटा अगर सप्लाई के पैरल में आप लो रेजिस्टेंस लगा दिए तो पोटेंशियल कॉयल में इतना हाई करेंट हो जाएगा दैट इट विल गेट डैमेज ठीक है लेकिन हाईली इंडक्टिव का क्या मतलब होता है कि उसकी इंडक्टेंस और भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी ताकि एरर मिनिमाइज हो पाए अब क्वेश्चन देखें द पावर फैक्टर इन अ सिंगल फेस सर्किट इज पी बाय वी आई पी इज द पावर रेड बाय वॉट मीटर वी मीटर आई मीटर सब में एरर है पावर फैक्टर कैन बी नोन इफ ओनली वन मीटर दैट इज इलेक्ट्रो टाइप पावर फैक्टर मीटर हैविंग लिमिटिंग एरर ऑफ वन परसेंट इज यूज ये कह रहा है पावर फैक्टर निकालने का दूसरा तरीका हो सकता है कि डायरेक्टली पावर फैक्टर मीटर यूज कर लें अब कह रहा है, है कि पावर फैक्टर मीटर यूज किया जाए रेदर देन तीन इंस्ट्रूमेंट का यूज करें क्योंकि तीन इंस्ट्रूमेंट से कितना एरर आएगा आपको यह पता होना चाहिए परसेंटेज एरर इन पावर फैक्टर इज परसेंटेज एरर इन पी प्लस परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आई दैट इज प्लस माइनस थ्री परसेंट ठीक है प्लस माइनस थ्री परसेंट बी ठीक है भाई ये बात क्लियर हो गई हम्म ये करना जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का क्या सीन है भाई ये यूज होता है हाई वोल्टेजेस नापने में यह कोई करंट वगैरह मेजर नहीं कर सकता यहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है इसका हाफ वी स्क्वायर डी सी बाय डी थीटा यह इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है लीनियर स्केल की कंडीशन होती है क्या सी डी सी बाई डी थीटा इज कॉन्स्टेंट ठीक है सॉरी थीटा डीसी बाय डी थीटा ना किसी ठीक है अब इसके बाद रेंज एक्सटेंशन के लिए सीरीज कैपेसिटर लगता है इसके अंदर जिसकी वैल्यू होती है सी एस सी एम अपॉन एम माइनस वन सीरीज रेजिस्टेंस में तो एम माइनस वन मल्टीप्लाई होता है लेकिन कैपेसिटेंस में डिवाइड ए और डीसी ये दोनों मेजर कर सकता है जहां भी स्क्वायर आ जाता है ना वो एसी डीसी सी दोनों में काम आ जाते हैं ये वाला बनाया अ करेंट ऑफ पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट थ्री साइन ओमेगा टी माइनस पॉइंट टू साइन टू ओमेगा टी इस पास थ्रू द सर्किट शोन बिलो रीडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर अक्रॉस वन मिली हेनरी इंडक्टर इफ ओमेगा इज टेन टू दावर सिक्स अब देखो डीसी के लिए तो इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट अब पॉइंट थ्री साइन ओमेगा टी यहां पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो एक्सेल क्या होगा थाउजेंड तो वोल्टेज कितनी हो गई थ्री हंड्रेड साइन ओमेगा टी प्लस नाइन माइनस पॉइंट टू साइन टू ओमेगा टी ये आ गया टू थाउजेंड तो वोल्टेज कितनी हो गई अब देखो ये दो वोल्टेजेस बची दोनों की दोनों ऑर्थोगोनल हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है ये तो आर नापता है क्यों नापता है भाई आर क्योंकि ए में जब आप स्क्वायर करते हो यू गेट द आर वैल्यू तो ये क्या आ गया 500 वोल्ट बाय रूट टू क्योंकि ये पीक वैल्यूज है ना फाइव हंड्रेड बाय रूट टू आ रहा होगा मेरे ख्याल थ्री फिफ्टी फोर टू फिफ्टी फोर आ रहा है टू फिफ्टी फोर तो नहीं आना चाहिए थ्री फिफ्टी फोर आना चाहिए हाँ थ्री फिफ्टी फोर आ रहा है समझ में आ गई बात साइन के बाहर लिखी हुई टर्म मैक्सिमम होती है इसीलिए आर एम एस के लिए डिवाइडेड बाई रूट टू अब आ जाओ भाई मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस इसमें सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था भाई सबसे पहले आपने पढ़ा था ब्रिजेस के अंदर यूज होती है वैगनर अर्थ डिवाइस इसका काम क्या होता है इसका काम क्या होता है भाई इसका काम होता है एलिमिनेट स्ट्रे कैपेसिटेंस बिटवीन आर्म्स ऑफ ब्रिज एंड ग्राउंड करेक्ट ब्रिज की जो आर्म्स हैं और ग्राउंड के बीच का स्ट्रे कैपेसिटेंस है उसको एलिमिनेट करता है फिर टू रिड्यूस कैपेसिटेंस बिटवीन आर्म्स ऑफ ब्रिज इसमें क्या करना पड़ता है डिस्टेंस बिटवीन आर्म्स बढ़ाना चाहिए पहली चीज तो ये हो गई अब दूसरा क्या था भाई दूसरा था क्वालिटी फैक्टर ये होता है टेन फाइव ये कैसे निकालते हो x बाय आर फॉर सीरीज सर्किट एंड b बाय जी पैरल सर्किट करेक्ट क्वालिटी फैक्टर हमको निकालने आना चाहिए और ब्रिज में क्वालिटी फैक्टर की एक खास बात है ना कि अगर अगर आपके पास ओनली टू स्टोरेज एलिमेंट हैं तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ अनोन ब्रांच इज इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट दोनों का क्वालिटी फैक्टर बराबर आता है तो मैंने आपको बताया था अगर कभी भी क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है तो आर और एल अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली बता देना जैसे अगर मान लो आर एल के साथ एक कैपेसिटर दे रखा है तो जो कैपेसिटर का क्वालिटी फैक्टर होगा वही आपकी कॉयल का भी क्वालिटी फैक्टर होगा अब एल मेजरमेंट के लिए कौन कौन से ब्रिजेस थे भाई पहला तो था इंडक्टेंस ब्रिज मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज जिसको कोई पूछता नहीं है ठीक है यहां पे क्या हुआ था ना यहां पे आपका Z2 टू वेरिएबल था विच वॉज आर टू प्लस जे ओमेगा एल टू ठीक है यहां पे Z2 को हमने वेरिएबल रखा था Z3 और Z4 तो आपके रेजिस्टेंस थे असली कहानी शुरू होती है मैक्सवेल एल ब्रिज से मैक्सवेल एल ब्रिज तो यहां पे क्या किया था बेटा आपने यहां पे आपने Z4 को रखा था वेरिएबल विच इज R4 फोर पैरल C4 ठीक है तो यहां पे L1 आ गया था R2 R3 C4 सभी ब्रिजेज में से मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज यही है R1 आ गया था R2 R3 आर थ्री बाय आर ये क्वालिटी फैक्टर ले रहा था एक से लेके दस तक अब इसके बाद आप तीसरा ब्रिज लेके आए भाई हेज ब्रिज ब्रिज में डिजाइन वाइज आपने क्या मॉडिफिकेशन किया भाई आपने Z4 को जो है ना R4 फोर पैरल सी की जगह सीरीज कर दिया तो यहां पे जो है ना काफी लंबा एक्सप्रेशन आता है तो एक्सप्रेशन आप डिराइव कर लीजिएगा एक्सप्रेशन तो आप डिराइव कर लीजिएगा लेकिन इसमें क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन टेन लिया जाता है ठीक है यहां पे एक्सप्रेशन मैं लिखवा भी दूंगा ना अभी देखो मेरे को तो इस समय फ्रेश है माइंड में लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रट पाओगे नहीं उसको चौथा होता है एंडरसन ब्रिज एंडरसन ने क्या चलाकी की, की बेटा एंडरसन ने एलसी ब्रिज को ही मॉडिफाई किया उसने क्या किया इंसर्ट small resistance r between r4 and c4 in lc bridge lc wale bridge mein ek chhota sa resistance aur dal diya isme kya karte hain delta to star conversion और फिर bridge balance करते हैं ठीक है bridge balance की condition तो याद है ना opposite arms का product बराबर होना चाहिए और लास्ट क्या आया था भाई अवंस ब्रिज अवंस ब्रिज ने क्या किया था इसने ना आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी मेजर करके दे दी थी म्यू आर मेजरमेंट इसने क्या बोला म्यू आर इक्वल टू एल वन विद आयरन कोर अपॉन एल वन विद एयर कोर करेक्ट ऐसा करके इसने म्यू आर बता दिया कि एल वन में एक बार आयरन कोर लगा लो एक बार एयर कोर लगा लो दोनों के रेशो से आ जाएगा म्यू आर तो ये पांच ब्रिजेस थे जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेकेंड ब्रिज है और लीस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट और फिफ्थ मैं बोलूंगा क्योंकि इस पर सवाल अभी तक पूछा ही नहीं गया चलो ये क्वेश्चन देखो जरा फटाफट वन ब्रिज बेटा वैरायटी ऑफ क्वालिटी फैक्टर पे काम आता है ओम रतन है ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो क्वालिटी फैक्टर हाई क्वालिटी फैक्टर लो के लिए एंडरसन था शायद मैं लिखना भूल गया हाँ यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर लेस देन वन लो के लिए एंडरसन होता है करो जरा इसको संदीप भाई अभी कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे ना पहले इंडक्टेंस का कराया है डिस और शेयरिंग ब्रिज आपका कहाँ आएगा कैपेसिटेंस मेजरमेंट में फिर वीन ब्रिज कहाँ आएगा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में ए आ रहा है अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो डायरेक्टली क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉयल इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर का पैरल सर्किट है तो ये वन बाय आर हो जाएगा ये ओमेगा सी ओमेगा आर सी तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हंड्रेड हर्ट से तो टू पाई इन टू हंड्रेड आर है फोर सेवेंटी टेन की पावर माइनस सेवन कितना आ रहा है पॉइंट जीरो थ्री आ रहा है ये मैंने शॉर्टकट बताया था ना एल और आर निकालने से बच जाते हो डायरेक्टली क्वालिटी फैक्टर आ जाता है चलो अगला देखो जरा अ टिपिकल हेज ब्रिज बैलेंस इज ये वाला स्किप कर देते हैं यार हेज ब्रिज का ना आपको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा ठीक है तो ये लंबा जाएगा सवाल और ऐसा आने का चांस भी कम है मैं फिर भी बता देता हूं गेट में अगर आप इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया अप्रोच कैसे करेंगे आर टू आर थ्री बाय जेड फोर जेड फोर होगा आर फोर और सी फोर का सीरीज अब तो आगे आप जानते ही हो बेटा ऐसे एलसीएम ले लेना है ना अब रेशनलाइज कर लोगे तो गेट में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा मान लो इनकेस ऐसा सवाल आ गया बट आप बना सकते हो ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगा अब दोनों साइड से रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना अपने को तो R1 जो आएगा R2 R3 ओमेगा C4 का स्क्वायर बाय आर फोर भी आएगा एक वन प्लस ओमेगा आर फोर सी फोर का स्क्वायर और एल वन आएगा आर टू आर थ्री सी फोर जो एल सी ब्रिज में आता था ना बस नीचे एक टर्म एक्स्ट्रा ये लो ऐसे निकाल सकते हो ठीक है ये क्लियर हो गया चलो अगला करो टोटल बेटा थर्टी फाइव के आसपास क्वेश्चन है डायग्राम भी देगा वैसे तो ब्रिज का नाम देके नहीं पूछता नहीं तो डायग्राम जैसे इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है ना ऐसे दे सकता है कि भाई ए बी में एक इंडक्टेंस है फिर उसके आगे बी सी में एक रेजिस्टेंस फिर सी डी में कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस और डी ए में एक रेजिस्टेंस जैसे देखो ये जेड वन हो गया फिर ये आगे जेड टू हो गया फिर ये जेड फोर हो गया और ये वाला जेड थ्री हो गया ठीक है इस टाइप से विजुलाइज कर सकते हो आया आंसर तो ये देखो ये है मैक्सवेल एल सी ब्रिज करेक्ट क्योंकि जहां आर और सी पैरल में है दैट इज योर मैक्सवेल एल सी ब्रिज तो यहां पे आर वन क्या है आर टू आर थ्री बाई आर फोर तो आर टू आर थ्री टू थाउजेंड इंटू टू थाउजेंड बाई थाउजेंड उाइल दैट इज फोर थाउजेंड एल वन आर टू आर थ्री सी फोर तो दो हजार इंटू दो हजार इंटू सी फोर इज पॉइंट फाइव माइक्रोफेरेड तो टू हेनरी चार हजार एन टू हेनरी ए ठीक है आंसर विल बी ए अब इस का भी रिकॉर्डेड वीडियो का क्या करोगे प्रिंस भाई कल ही तो एग्जाम है हाँ क्वालिटी फैक्टर से भी ऑप्शन जज कर सकते हो बिल्कुल सही बात है अब कैपेसिटेंस पे आ जाओ ये कैपेसिटेंस का कौन सा ब्रिज है भाई ये है डी सोटी ब्रिज ये कौन सा ब्रिज है डी सोटी ब्रिज इसमें कुछ याद नहीं करना बच्चों आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है आपको डी सॉटी ब्रिज में बस क्या फर्क होता है क्या होता है देखो Z1 वन आपका अनोन होता है आर एंड सी सीरीज और Z2 टू आपका वेरिएबल होता है इसमें भी आर और सी सीरीज में होते हैं और दूसरा होता है आपका शेयरिंग ब्रिज इसमें क्या होता है जेड वन अनोन होता है अगेन आर एंड सी सीरीज Z2 होता है uh, C2 और Z4 होता है R4 फोर एंड सी फोर पैरल यहां पर तीन कैपेसिटर हो जाते हैं बेसिकली एक अनोन होता है एक वेरिएबल और एक नोन होता है ठीक है तो जो आप क्वालिटी फैक्टर बैलेंसिंग वाला लगा सकते हो तभी लगा सकते हो जब दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हो यानी डी में तो लग सकता है शेयरिंग में नहीं लगेगा यहां तीन एलिमेंट आ गए हाँ भाई क्या पूछा है वैल्यूज ऑफ सी एस एंड आर एस तो आप यहाँ ब्रिज की बैलेंसिंग कर लो ना बच्चे आर एस प्लस वन बाय जे ओमेगा सी एस ठीक है इज इक्वल टू वॉट फोर्टीन पॉइंट सेवन बाय टेन इंटू वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन बाय जे ओमेगा पॉइंट वन तो आर एस कितना हो गया वन पॉइंट फोर सेवन इंटू वन ट्वेंटी फाइव ये आ जाएगा वन एट्टी थ्री पॉइंट एट कैपेसिटेंस कितना हो गया पॉइंट वन इंटू टेन बाय फोटीन पॉइंट सेवन पॉइंट ज़ीरो सिक्स एट ठीक है तो आंसर विल बी सी यही आ रहा है ना सी आ रहा है यार लेट भाई अजीब आदमी हूं किसी भी ऑर्डर में ले लो ए बी सी डी सीक्वेंस में तो जाओगे एक जोड़ा ए से बी अब बी तो वही है फिर बी से सी फिर सी से डी फिर डी से ए ये तो एक आपका क्या बन गया बेटा एक ही तो बन गया क्वाड्रिलेटरल बनाने में क्या ही दिक्कत है देखो फिर आ गया एक लड़का मेजरमेंट कितने नंबर का आएगा शून्य जीरो कल एग्जाम और इनको मार्क्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए यार चलो दस नंबर का आ रहा होगा तो आज आज में तैयार होगा क्या नहीं होगा अगला देखो भाई कैपेसिटेंस कंपैरिजन आर वन आर टू आर थ्री सी थ्री आर, आर एक्स और सी एक्स पूछ रहा है करो आपका आर एक्स है सी एक्स है ये आर थ्री सी थ्री एक इसके अंदर यार वो भी था ना रिलेटिव परमिटिविटी मेजरमेंट इसमें क्या था प्लेस डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी बिटवीन प्लेट्स ऑफ सी वन एंड बैलेंस ब्रिज आपने ब्रिज को बैलेंस किया फिर क्या करते हो रिमूव डाय ब्रिंग प्लेट्स क्लोजर ब्रिंग प्लेट्स क्लोजर बाय एक्स टू बैलेंस ब्रिज ठीक है प्लेट्स को कितना मूव किया हमने एक्स तो यहां पे जो रिलेटिव परमिटिविटी निकलती है दैट इज टी बाई टी माइनस एक्स क्या है डी आ रहा है अब यहां पे क्या पूछा आर एक्स सी एक्स पूछा है पहले की तरह ही कर दो भाई आर एक्स प्लस वन बाय जे ओमेगा सी एक्स इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन र थ्री प्लस वन बाय जे ओमेगा सी थ्री तो आर एक्स क्या हो गया आर टू आर थ्री बाय आर वन आर टू आर थ्री कितना है भाई थर्टी ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ओ सी एक्स आर वन सी थ्री बाय आर टू आर वन कितना है ट्वेंटी सी थ्री है टेन ट्वेंटी इंटू टेन बाई थर्टी ट्वेंटी बाई थ्री पी को फैरड ठीक है तो डी रहा है बहुत बढ़िया ये बताओ ये क्लियर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस अब अगला आता है फ्रीक्वेंसी यहाँ वीन ब्रिज होता है भाई आर वन बाय आर टू प्लस सी टू बाई सी वन इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर ये वाला वो होता है जो सीरीज वाला होता है ये होता है पैरेलल वाला एक आर सी सीरीज होता है और एक आर सी पैरेलल आर वन सी वन सीरीज आर टू सी टू और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी होती है इसके अंदर दो ही चीजें अपने को पता होनी चाहिए आर वन आर टू सी वन सी टू कितना आ रहा है ये बताओ इसमें डिस हारमोनिक आ गया है भाई अगर हार्मोनिक आ गया तो इट विल नॉट लीड टू अ नल इंडिकेशन वीन ब्रिज कैन ओनली बी बैलेंस अ सिंगल फ्रीक्वेंसी तो अगर इनपुट में हार्मोनिक है यानी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है देन इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड ठीक है भाई तो ये हो गया वीएन ब्रिज अब आ जाओ रेजिस्टेंस मेजरमेंट पे इसमें सबसे पहले क्या है भाई वीट स्टोन ब्रिज है यहां पे क्या होता है जो आर होता है अननोन रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी होती है पी बाय क्यू इंटू एस और फिर हम लोग क्या करते हैं कंप्यूट थेवेन क्रॉस गैल्वेनोमीटर जिसमें आपका वी टी एच आता है इनपुट वोल्टेज अपॉन कितना आता है Q बाय P प्लस क्यू ऐसे होते हैं ना पी क्यू आर और एस पी एस इक्वल टू क्यू आर हाँ तो Q बाय P प्लस क्यू माइनस एस बाय आर प्लस एस ठीक है अगर नहीं भी याद है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मत सोचना सर बोल रहे हैं याद करने मैं तो लिखवा दे रहा हूं वैसे तो आप डायग्राम से निकाल ही सकते हो अब गैल्वेनोमीटर का करंट कितना होता है वी टी एच बाई आर टी एच प्लस जी ठीक है इसके अंदर बेटा सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं ब्रिज सेंसिटिविटी दैट इज डिफ्लेक्शन अपॉन डेल्टा आर बाय आर तो ये जो ब्रिज सेंसिटिविटी है ये आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी इनटू वी टी एच अपॉन आर बाय एस प्लस एस बाय आर प्लस ठीक है एसवी वी आता है एक्चुअली वी टी एचनी सप्लाई वोल्टेज एसबी मैक्स के लिए क्या होता है पी इक्वल टू तो क्यू आर इक्वल टू तो एस तो वैल्यू आ जाती है एस वी इन टू वी बाय फोर यह होता है ये आपका वीट स्टोन ब्रिज का थ्योरी है जितना भी है सेकेंड क्या होता है इसके बाद बेटा कैरी फॉस्टर स्लाइड बाय वायर ब्रिज ठीक है कैरी फॉस्टर स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर क्या होता है आपका यहां पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर निकाला जाता है यहां पे क्या करते हैं एक बार देखो ऐसे करते हैं फिर आर और एस को एक्सचेंज कर देते हैं फिर आर और एस को एक्सचेंज कर देते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ बदल जाती है एल वन एल टू क्या है दे आर द बैलेंसिंग लेंथ ठीक है तो ये होता है यहां से आर निकाल लेते हैं इसके बाद क्या था कैरी फॉस्टर स्लाइड वायर ब्रिज के बाद ट स्टोन ब्रिज का अगला एप्लीकेशन था दैट वाज द मरे लूप टेस्ट तो यहां पे हमारा क्या था कि फॉल्ट एट डिस्टेंस एक्स तो हमारा हो गया था पी बाई क्यू आर प्लस स्मॉल आर यहां पे आर और एस लेना कंपलसरी भी नहीं होता उसके बिना भी काम चल जाता है आर एक्स ये हो गया था यहां से एक्स निकाल लेते हैं फॉल डिस्टेंस ठीक है इसके बाद अगला क्या था भाई अगला एमीटर वोल्टमीटर मेथड था और ये सारे मीडियम रेजिस्टेंस के लिए थे यहां पे एमीटर नियर आर टी अगर आप एमीटर पास में जोड़ते हो तो मेजर्ड रेजिस्टेंस जो आता है वो एमीटर का रेजिस्टेंस इसमें जुड़ के आता है इसको कहां यूज करना चाहिए लो वैल्यू सॉरी हाई वैल्यूज ऑफ आर टी में इसको कहाँ यूज करना चाहिए हाई आर टी में फिर वोल्ट मीटर नियर आर टी वोल्टमीटर पैरेलल जोड़ते हो ना तो मेजर्ड रेजिस्टेंस वोल्टमीटर और आरटी का कॉम्बिनेशन आ जाता है इसको कहां पे यूज करते हैं बेटा इसको यूज करते हो आप लो रेजिस्टेंस के लिए फिर इसके बाद पांचवा क्या था सब्सटीट्यूशन मेथड तो यहां पे आप लोग क्या करते थे यहां पे आप ये कहते थे कि सर्किट में करंट निकाल लीजिए विच इज या फिर सॉरी वोल्टेज निकाल लीजिए विच इज आई वन इंटू रियोस्टेट प्लस resistance रजिस्टेंस प्लस अन रजिस्टेंस आर और सेम वोल्टेज पे करंट बदल जाएगा अगर आप आर की जगह एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस लगा दोगे यानी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो I2 टू बाई आई बेसिकली दोनों को इक्वेट कर दो ऐसे कर लो क्योंकि दोनों वोल्टेजेस बराबर हैं तो जब आप दोनों को इक्वेट करोगे तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट R ठीक है तो यहां से आप अननोन रेजिस्टेंस R निकाल सकते हैं इसके बाद छठा क्या था भाई ओम मीटर था यहां पे हमने क्या पढ़ा था बताओ एक तो सीरीज ओम मीटर था इसके अंदर इन्वर्टेड स्केल आता है यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे आर एक्स बढ़ता है अननोन रेजिस्टेंस आपका डिफ्लेक्शन कम होते जाता है ठीक है ऐसे सोच लो ना सीरीज का रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे करंट कम तो डिफ्लेक्शन भी कम मैंने भी ऐसे ही याद कर रखा है फिर था शंट ओम मीटर शंट में जो है आपका अननोन रेजिस्टेंस पैरेलल लगता है भाई और पैरेलल वाला रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तो आपका डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है क्योंकि ज्यादातर करंट फिर मीटर से जाएगा और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था फॉर हाफ स्केल डिफ्लेक्शन रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इन के बराबर अगर रख दो तो हाफ स्केल डिफ्लेक्शन आता है बेटा जब मैं ये फॉर्मूले लिख रहा हूं तो मेरे माइंड में ना पूरा विजुअलाइजेशन चल रहा है फिर सेवन था कैलविन डबल ब्रिज और मैं एक एक सब्जेक्ट यार पिछले दस सालों से पढ़ा रहा हूं अब भी अगर याद ना हो तो फिर क्या फायदा फिर तो मैं तुमसे भी ज्यादा बंद बुद्धि हो गया ऐसे थोड़ी होता है यहां पे आता है भाई एक आउटर ब्रिज के रेशो आम्स होते हैं कैपिटल पी बाय कैपिटल कैपिटल पी और कैपिटल क्यू और एक इनर ब्रिज के रेशो आर्म्स होते हैं जो कि स्मॉल पी और स्मॉल क्यू होते हैं और आर होता है लीड वाला रेजिस्टेंस छोटी सी वायर वाला रेजिस्टेंस आठवा होता है भाई लॉस ऑफ चार्ज मेथड कैलविन डबल ब्रिज स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है और लॉस ऑफ चार्ज मेथड एकदम हाई रेजिस्टेंस के लिए यहां पे हम क्या कहते हैं वी सी और टी आपको गिवन होगा आप यहां से सी निकाल देंगे कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है सॉरी सी नहीं आर ये हाई रेजिस्टेंस में यूज होगा इंसुलेशन के ठीक है चलो अब ये करो क्वेश्चन सर आज के दिन भी थ्योरी पढ़ा रहे हो थ्योरी नहीं पढ़ा रहा बेटा फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं इसीलिए तो मैं बोल रहा था मैं तुम्हारी तरह मंदबुद्धि नहीं हूं देखो यार आएगा तो इसमें से भी बहुत कम ही ना मेरे भाई ये इतने क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इतने टॉपिक करा रहा हूँ इतना मेजरमेंट थोड़ी आ सकता है बट तैयार तो हमें सब कुछ ही करना पड़ेगा चलो ये क्वेश्चन देखो जरा आर का वैल्यू बताना है चलो बड़े बड़े चैप्टर तो निपट गए डिजिटल मीटर बचा सी आर ओ पोटेंशो मीटर फटाफट हो जाएगा ए आर है देखो यहां पे क्या होगा पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय तो यहां पे आर कितना आ गया साढ़े तीन बाय सात इंटू एस है साढ़े पांच तो दो पॉइंट पिचहत्तर आ गया ना अब इन्होंने सेवेंटी थ्री दे रखा है लेकिन सेवेंटी फाइव होगा चलो क्लोजेस्ट है फिर भी अगला देखो जरा फटाफट अ अलविन डबल ब्रिज इज शोन इन द फिगर बिलो हैव ईच ऑफ द रेशो आर्म पी क्यू स्मॉल पी स्मॉल क्यू ई एम एफ ऑफ द बैटरी इज हंड्रेड रजिस्टेंस इज फाइव ओम इंक्लूडेड इन द बैटरी सर्किट गैलवेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस फाइव हंड्रेड रजिस्टेंस ऑफ द लिंक कनेक्टेड ये नेग्लेक्ट करने बोल रहा है ये स्मॉल आर ब्रिज इज बैलेंस वेन एस इक्वल टू पॉइंट जीरो जीरो वन वॉट इज द करेंट थ्रू द अनोन रजिस्टर एट बैलेंस ये आर से सी आर ओ कितनी देर में आएगा मैंने बस वही किया है आने ही वाला होगा चल पड़ा है पहुंचता ही होगा आ जाओ फटाफट बना दो इसको यार तुम लोग आए सेशन कंप्लीट करें फिर मुझे भी जाना है भाई आज मेरी फ्लाइट है तभी तो कल पेपर सॉल्व करा पाऊंगा इसीलिए फटाफट आंसर करो रायपुर अरे क्वेश्चन में पूछा है अननोन रेजिस्टेंस में से करंट कितना जाएगा पार्थ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं चलो मैं कराऊं देखो यार जब ये हो जाए ना कैपिटल पी बाय कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल पी बाय स्मॉल क्यू तब ना व्हीट ब्रिज वाला फॉर्मूला बच जाता है सेकेंड टर्म आपकी कट जाती है तो हंड्रेड बाय हंड्रेड इंटू पॉइंट जीरो जीरो वन तो पॉइंट जीरो जीरो वन ओम ठीक है अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया ये हंड्रेड हंड्रेड हो गया फिफ्टी लेकिन यहां से तो जीरो एम्पियर करंट जा रहा है तो ये वेस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में आ गए क्योंकि बीच में से कोई करंट नहीं जा रहा टू हंड्रेड नीचे वाले ये दोनों भी सीरीज में आ गए पॉइंट जीरो जीरो टू अब आप एक चीज़ सोचो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो नीचे वाले से काफ़ी ज़्यादा हाई है तो आप ये कह सकते हो यहाँ से जो भी करंट चलेगा वो सारा का सारा अप्रोक्सीमेटली यहाँ चला जाएगा तो मैं कहता हूँ आई कितना होगा ई बाय आर बी प्लस पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू अब आर बी है फाइव तो अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड बाई फाइव पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू तो अप्रोक्सीमेटली uh, कितना आ गया 20 एम्पियर अप्रोक्स इसीलिए पूछा है उसने एग्जैक्ट नहीं पूछा है ना अप्रोक्स पूछा है तो 20 एम्पियर आ गया ठीक जरा ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीन रेजिस्टेंस है 120, 150, 150। फोर्थ रेजिस्टेंस क्या होगा जल्दी बताओ तीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120, 150, 150, चौथा क्या होगा बी बहुत बढ़िया देखो यहां पे ड्रॉ कर लो ना वन ट्वेंटी वन फिफ्टी वन फिफ्टी आर ठीक है तो सिंपल वन ट्वेंटी इंटू वन फिफ्टी अपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट कर लो वन फिफ्टी इंटू आर तो आर यहां से आ गया सिंपली वन ट्वेंटी ओ बी ठीक है आंसर विल बी बी अगला देखो जरा a length of cable is tested for installation for insulation resistance by loss of charge electrostatic volt, voltmeter of infinite resistance is connected between cable conductor and earth forming a joint capacitance of 500 after charging it voltage falls from 250 to 92 uh, volt 250 to 92 volt in 1 minute what is the insulation resistance करो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की इक्वेशन से हो जाता है ना बनाओ भाई जरा आता हूं मैं शायद कोई है डोर पे है इसका देखो इनिशियल वोल्टेज 250 थी वन मिनट में 92 हो गई वन मिनट यानी 60 सेकेंड तो 60 बाय टाओ टाओ होता है आर सी है ना एक बार इतना बना लिया तो आंसर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय सी कितना दिया है भाई 500 हंड्रेड पी को फेरेड एल एन टू नाइनटी तो 10 की पावर 12 में आएगा तो ये बन गया 1.2 पॉइंट टू इंटू की पावर 11 पॉइंट वन टू इंटू की पावर 12 आ रहा है मेरा तो आंसर विल बी सी ठीक है आ गया लो भाई सी आर ओ कैथोड रे ट्यूब यहां पे देखो पहले सीआरओ का बेसिक रिवाइज करा देता हूं सीआरओ में पहला एलिमेंट क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉन गन वहां पे क्या करते हैं एक एलिमेंट को हीट करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है और वो इलेक्ट्रॉन सीआरटी में एंटर करते हैं अब ये इलेक्ट्रॉन ट्यूब में एंटर करने के बाद सबसे पहले जाते हैं कैथोड ग्रिड से कैथोड ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और अंदर जाने से मना कर देता है तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये आप कंट्रोल कर सकते हो बाय मीन ऑफ कैथोड ग्रिड तो कैथोड ग्रिड से आप ब्राइटनेस कंट्रोल करते हो डिस्प्ले की क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले बनेगा तो ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है कैथोड ग्रिड उसके बाद क्या आता है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाता है फिर आता है एक्सेलरेटिंग एनोड एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करता है क्यू वी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यह वेलोसिटी बढ़ा देता है वेलोसिटी हो जाती है रूट टू क्यू वी बाई एम ठीक है ये आपका एक्सलरेटिंग एनोड करता है करेक्ट बात है अब इसके बाद क्या होता है भाई फोकस एनोड फोकस एनोड क्या करता है एक लेंस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिससे सारे इलेक्ट्रॉन कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे टकराते हैं एंड इमेज आपकी शार्प बनती है ब्लरी नहीं बनती है बट फिर भी अगर छोटा मोटा चेंज करना हो फोकस में तो उसके लिए यूज करते हैं एस्टिगाम कंट्रोल एस्टिगामेटिज्म कंट्रोल में क्या करते हैं एक छोटा सा डीसी वोल्टेज लगाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट पे जिससे फोकस में बहुत माइनर चेंजेस आप कर सकते हो इसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को वर्टिकली रखा जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लगती है और मिलता है और डिफ्लेक्शन मिलता इन पे कौन सा सिग्नल लगाया जाता है स्वीप सिग्नल लगाया जाता है विच इज अ रैंप सिग्नल तो रैंप सिग्नल ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ता है फिर फटाफट से गिरता है जब ये गिरता है उस टाइम को कहते हैं रिट्रेस टाइम उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन बीम आपका उल्टा आती है ठीक है जैसे अगर आप पहले जा रहे हो राइट फिर आप रिट्रेस टाइम में लौट के आओगे लेफ्ट अब जब आप लेफ्ट लौट के आ रहे हो तब कोई इलेक्ट्रॉन सीआरओ में एंटर ना करे वरना यूजर को पता चल जाएगा बीम जा रही है राइट से लेफ्ट इसके लिए लगता है ब्लैंकिंग सर्किट जो हॉरिजॉन्टल प्लेट और कैथोड ग्रिड के बीच में जुड़ता है तो जब बीम आपकी राइट से लेफ्ट जाती है उस समय पे कैथोड ग्रिड किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देती है फिर होती है वर्टिकल प्लेट इनको रखते हैं हॉरिजॉन्टल ताकि फील्ड बने वर्टिकल इन पे लगाते हैं टेस्ट सिग्नल और इससे इलेक्ट्रॉन की बीम वर्टिकली डिफ्लेक्ट करती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट के बीच में लगता है एक सिंक्रोनाइजर सर्किट एक डीले लाइन डीले लाइन का काम होता है वर्टिकल सिग्नल को डीले कर देना ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिग्नल सिंक में चलें। इसके बाद क्या होता है सीआरओ की स्क्रीन पे होती है ग्रेफाइट कोटिंग ये क्या करती है स्क्रीन से जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होके आते हैं जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है उन्हें स्क्रीन के पास जमा नहीं होने देती है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल ना करें स्क्रीन पे लगती है फॉस्फर कोटिंग फॉस्फोर कोटिंग में क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में जिससे फॉस्फोर के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन उछल करके ऊपर के ऑर्बिट में जाता है जब ये लौट के नीचे आता है तो इट एमिट्स लाइट एनर्जी और वो स्क्रीन पे आपको वेव नजर आती है स्क्रीन पे आपको डायग्राम नजर आता है तो ये फॉस्फोर कोटिंग का रोल है फॉस्फर के अलग अलग मॉलिक्यूल से अलग अलग तरह के सीआरओ या अलग अलग कलर्स ऑप्टेन किए जा सकते हैं ठीक है तो अब सीआरओ में जब डिफ्लेक्शन की बात आती है तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है एल एल डी वी वाई बाय टू डी वी ए पे एल क्या होता है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कहा से लेते हैं डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन सेंटर ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट से एल डी लेंथ ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट वी वाई जो वर्टिकल प्लेट पे आपने पोटेंशियल लगाया है डी डी इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स वी एक्सलरेटिंग पोटेंशियल क्या है Accelerating potential, that is your वी ए ठीक है भाई ये होता है ऐसा तो नहीं है बेटा कंपल्सरी अब मैंने पेपर सेट किया होता तो मैं बता भी देता कंपल्सरी तो किसी भी टॉपिक का नहीं होता सवाल और देखो एक दो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं इसमें राइस टाइम इंटू बैंडवेट ये पॉइंट थ्री फाइव आता है ठीक है एक कैलिब्रेशन वाला पार्ट होता है जहां बॉक्सेस काउंट करके आप वोल्ट पर डिवीजन या टाइम पर डिवीजन निकालते हो याद है वर्टिकल बॉक्सेस काउंट करके पता चल जाता है पर बॉक्स कितना वोल्टेज है हॉरिजोंटल बॉक्सेस काउंट करके पता चल जाता है पर बॉक्स कितना टाइम है उसे कैलिब्रेशन कहते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने कि आप सीआरओ की इनपुट इम्पिडेंस अगर देखोगे उसमें एक आर और सी पैरेलल में लगे होते हैं आर की यूनिट होती है मेगाओम में और सी होता है पीको फैरड में सीआरओ का इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है ठीक है सीआरओ का इनपुट इम्पिडेंस काफी हाई होता है जिससे लोडिंग इफेक्ट मिनिमम होता है ये एक सीआरओ का एडवांटेज होता है भाई सही बात है लोडिंग इफेक्ट इज मिनिम हांजी इन अ सीआरटी एनोड वोल्टेज इज टू थाउजेंड इलेक्ट्रॉन लीव कैथोड विथ जीरो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी इज अब यहां पे क्या करना पड़ेगा वेलोसिटी अगर निकालनी है क्यू वी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर जो अभी मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया कहीं पे कोई चीज़ पूछनी हो तो भाई पूछ लेना कि सर ये चीज़ याद नहीं आ रही है या ये कैसे होता था ठीक है क्योंकि इस वाले चैप्टर में ना काफ़ी सारा थ्योरी है तो मैं वर्बली ही करा रहा हूँ क्योंकि के नोट्स में मैंने आपको सारा लिख के तो ऑलरेडी दे ही दिया था अब लिखने वाला पार्ट का तो कोई सेंस है नहीं सेवन पॉइंट जीरो थ्री बन रहा है ये तो मेरा तो अच्छा रुको अंडर ले लिया ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर सिक्स बन रहा है ठीक है तो सी हाँ राइस टाइम का फॉर्मूला हाँ राइस टाइम का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो राइस टाइम इज राइस टाइम ऑफ इनपुट का स्क्वायर राइस टाइम ऑफ सी आर ओ का स्क्वायर ठीक है सीआरओ प्रोब से किस टाइप के नेटवर्क टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा सीआरओ प्रोब से सर्किट बना के दे देगा देखो ये आ गया सीआरओ प्रोब का क्वेश्चन लो कर दो एन ऑसिलोस्कोप इनपुट इंपिडेंस कंसिस्ट ऑफ पॉइंट फाइव मेगाओम इन पैरल विद टेन पीको फरिड अ कॉम्पेंसेटेड ट्वेंटी बाय वन एटेन्यूएटर इज ऑप्टेन्ड बाय कनेक्टिंग अ पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्वेंटी इज टू वन का एटेन्यूएशन चाहिए तो पैरल कॉम्बिनेशन कैसा होगा आया भाई बी देखो यहां पे कैसा है ना सिस्टम मैं आपको दिखाता हूं अब आप लोगों ने क्या किया आपको एटेन्यूएटर बनाना था यानी वोल्टेज को सॉरी रिड्यूस करना था कितने रेशियो से ट्वेंटी इस टू वन यानी कि सप्लाई अगर ट्वेंटी है तो आउटपुट आपका वन होना चाहिए ध्यान से समझना इस टाइप का क्वेश्चन ईजी है बट इंटरेस्टिंग है देखो यहां पे ये अगर 20 है तो यहां पे कितना आना चाहिए वन आना चाहिए ये है जेड इन यह है जेड सीरीज तो वन बाय ट्वेंटी इज जेड इन ओवर जेड इन प्लस जेड ए तो यहां से सीरीज इंपीडेंस पता है कितनी आ गई 19 टाइम्स जेड इन अब अगर इंपीडेंस 19 गुना आ रही है तो सीरीज वाला रेजिस्टेंस इज इनपुट रेजिस्टेंस इनटू 19 9.5 नाइन पॉइंट कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है ना भाई वन बाय ओमेगा सी होती है 10 बाय 19 तो बी समझ आया कैसे है ये क्वेश्चन हो गया भाई रतन क्लियर ये जो प्रोब वाला सवाल है और इसके अलावा प्रोब के सर्किट टाइप के सवाल बनते हैं सर्किट ऐसा ही बनेगा ठीक है सर्किट ऐसा ही बनेगा अगला करो जरा फटाफट से डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है चलिए चलिए कम ऑन एवरीबॉडी डिफ्लेक्शन की बात हो रही है अभी इसका फॉर्मूला लिखवाया चलो चलो एंड पे ही पहुंच रहे हैं अब हम लोग फटाफट स्पीड अप कर लो देखो भाई डिफ्लेक्शन सेवन सेंटीमीटर दिया है पहले आता है कैपिटल एल कैपिटल एल है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फिफ्टी सेंटीमीटर फिर आता है एल डी लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वी वाई वो तो हमें निकालना ही है कितना वोल्टेज लगाना है टू डी डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट थ्री एम एम तो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर एनोड वोल्टेज ट्वेंटी एट हंड्रेड ठीक है अब ये सेंटीमीटर 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 सारे कट गए सेवन से गया पॉइंट फाइव तो वी वाई कितना हो गया ट्वेंटी एट हंड्रेड इंटू पॉइंट सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव टू एट्टी इंटू सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा ये 67.2, B बी आ गया है ना सीधा फॉर्मूला बेस्ड है अब आ जाओ लिसाजस पैटर्न लिसाज़स पैटर्न में बेटा हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी का रेशियो वाला फंडा क्या था एफ एक्स अपॉन एफ वाई इज नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी यानी उल्टा चलता है एक्स अपॉन वाई करते हो वर्टिकल टेंजेंसीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज करेक्ट बताओ जरा इसका आंसर क्या पूछ रहा है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल? यहां पे f हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है तो अब इसके लिए आपको ना टेंजेंसी काउंट करना पड़ेगा देखो ये हॉरिजॉन्टल तो कितने इंटरसेक्शन आ गए छ आ गए और वर्टिकल कितने आ गए दो बाय दो इक्वल टू तीन बाकी लिसाजस पैटर्न याद है कैसा आता था अगर दोनों साइनोसोइड लेते थे इक्वल एम्पलीट्यूड इक्वल फ्रीक्वेंसी के तो क्या होता था जीरो डिग्री फेस शिफ्ट पे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वन स्लोप की लाइन आती थी जीरो से नाइनटी में एलिप्स आता था क्लॉकवाइज फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में नाइन्टी पे एक क्लॉकवाइज सर्कल नाइनटी से वन एट्टी एलिप्स आता था क्लॉकवाइज लेकिन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 180 पे स्लोप की लाइन आती थी जो ओरिजिन से पास होती थी टू 270 में अगेन एक एलिप्स आता था और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकिन इस बार आता था एंटी क्लॉकवाइज फिर वन एटी टू सेवेंटी पे क्या आता था सर्कल आता था विच इज एंटी क्लॉकवाइज टू सेवेंटी से थ्री सिक्सटी में क्या आता था एक इलिप्स आता था फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में विच इज एंटी क्लॉकवाइज तो 180 तक तो क्लॉकवाइज इलिप्स बनते थे 180 के बाद सारे फिगर एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं अब ये वाला देखो जरा फटाफट से बना दो इसको भी भाई चलिए फटाफट से बना दीजिए मानते तो हैं भाई बाय डिफॉल्ट डेल्टा कनेक्टेड ही अब देखो एक ऑसिलोज ग्राम दिखा रखा है वह ना साइन वेव सिग्नल ऑफ़ अननोन फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड टू वर्टिकल टर्मिनल तो वर्टिकल वाला अननोन है अब देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी कितनी आ रही है चार आ रही है मैक्सिमम वर्टिकल अगर देखें तो ये कितनी आ सकती हैं ये छः आ सकती हैं तो अब अगर अनोन फ्रीक्वेंसी वर्टिकल पे है हॉरिजोनटल पे 600 हंड्रेड हर्ट है तो दैट इज हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी बाय वर्टिकल तो 400 सौ हर्ट्स आ जाएगा तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर टू 400 हंड्रेड हर्ट्स ठीक है अगला देखिए यहां पे फेस शिफ्ट निकालते थे फेस शिफ्ट में क्या होता था भाई फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट अगर होता था मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट तो क्लॉकवाइज होता था तो साइन इनवर्स वाई वन बाय वाई टू वाई वन क्या होता था इंटरसेप्ट होता था और वाई टू क्या होता था मैक्सिमम वैल्यू ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स वन बाय एक्स टू एंटी क्लॉकवाइज में थ्री सिक्सटी माइनस साइन इनवर्स वाई वन बाय वाई टू या 360 सिक्सटी माइनस साइन इनवर्स एक्स वन बाय एक्स टू सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज में 180 एटी माइनस साइन इनवर्स वाई वन बाय वाई टू वन एटी माइनस साइन इनवर्स एक्स वन बाय एक्स टू एंटी क्लॉकवाइज में वन एटी प्लस साइन इनवर्स वाई वन बाय वाई टू वन एटी प्लस साइन इनवर्स एक्स वन बाय एक्स टू अब ये देखो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में और एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां फेस शिफ्ट क्या होगी थ्री सिक्सटी माइनस साइन इनवर्स टू बाय फोर थर्टी डिग्री तो थ्री थर्टी सी सी रहा है बहुत बढ़िया क्लियर है ये फॉर्मूला भी तो सी आर ओ में सारी चीजें क्लियर हुई बताओ सी आर ओ में सारी चीजें क्लियर हो गई तो अब हम आ जाते हैं भाई करंट ट्रांसफॉर्मर पे करंट ट्रांसफॉर्मर में अपने को क्या करना होता है हम ये कहते हैं प्राइमरी करंट

बाय मॉड आई एस ये होता है एक्चुअल रेशो तो आपका रेशो एरर कितना आ जाता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाय ट्रू वैल्यू और एंगल बिटवीन आई वन एंड आई एस इक्वल टू फेज एरर क्या बोलते हैं इसको फेज एरर ठीक है अब जरा एक क्वेश्चन देखो टू हंड्रेड बाय सी टी इज विथ टू हंड्रेड टर्न ऑन सेकेंडरी ऑन अ टोर कोर वेन इट कैरीजी एम्पियर ऑन प्राइमरी द रेशो एंड द फेज एरर माइनस पॉइंट फाइव परसेंट होगा ये फिफ्टी परसेंट नहीं एंड थर्टी मिनट इफ द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज रिड्यूस्ड बाई वन फेज एरर एंड रेशो एरर विल बी आप जरा ध्यान से देखिएगा रेशो एरर है माइनस पॉइंट फाइव परसेंट इट इज टू हंड्रेड सेकेंडरी और प्राइमरी का टर्न रेशो टू हंड्रेड है ना अपॉन ये. ये आता है रेशो ये होता है एन ठीक है तो यहां से आर कितना आता है अप्रोक्सीमेटली दो सो एक यानी आप इसको ये कह सकते हो ना दो सो प्लस एक नाउ एनएस हो गया 199 तो ये जो एक्चुअल रेशो आएगा वो 199 बाय नाइन का वन का रेशो प्लस 1 आएगा टू 200 आएगा इज इज सेम सेम रेटिंग रेटिंग तो यहां पे आप ये चलाकी करते हो कि अंदर आपने 199 नाइनटी नाइन टर्न दिख रखे लेकिन बाहर आपने 200 ही लिख दिया अब जब रेशो एरर बढ़ के आएगा या रेशो जब बढ़ के आएगा बढ़ता क्यों है ड्यू टू दिस नो लोड करेंट ये नो लोड करेंट के कारण एक्चुअल रेशो नॉमिनल रेशो से ज्यादा आता है तो आपने बाहर 200 ही लिख के रखा लेकिन अंदर 199 रखा अब जब ये बढ़ के आएगा तो ये 200 आ गया जिससे रेशो एरर हो गया आपका जीरो क्या हो गया आपका रेशो एरर इज जीरो बट फेज एरर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फेज एरर उतना ही रहता है ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना रेशो एरर मिनिमाइज करने की कि आप अंदर ट्रांसफॉर्मर के एक या दो टर्न कम कर दो और बाहर आप पूरे ही लिख के रखो तो क्या होगा जब रेशो बढ़ेगा तो बाहर लिखे हुए टर्न यानी रेटिंग के बराबर आ जाएगा तो अंदर आप रेटिंग से थोड़ा कम डालिए ठीक है चलो अगला ट्राई करो जरा फटाफट से ट्राई करो फेज एंगल एरर पूछ रहा है भाई कम ऑन तरीका बताया ना मैंने कैसे निकालना है आई वन निकाल लो आई वन और आई एस के बीच का जो एंगल है वही फेज एंगल एरर है अरे यही तो प्रॉब्लम है यही तो बता रहा हूं सिर्फ इतनी थ्योरी है सीटीपीटी के क्वेश्चन की प्राइमरी करंट निकालना आना चाहिए भाई और ये तो तुम मशीन के ट्रांसफॉर्मर में पढ़ के ही आते हो प्राइमरी करंट कैसे निकालते हैं सेकेंडरी को रेफर कर लो फिर उसमें नो लोड करंट ऐड कर दो अभी देखो इस वाले में कराऊंगा क्लियर हो जाएगा अगर मशीन का ट्रांसफार्मर किसी को आता है तो करंट करेंट में अटक नहीं सकता है अभी देखो यहां पे आप क्या करो ट्रिगर देखो सेकेंडरी का करंट ले लो रेटेड के बराबर माइनस थर्टी क्यों लिया क्योंकि सेकेंडरी का पावर फैक्टर एंगल थर्टी है अब देखो जरा प्राइमरी करेंट अगर यहां पांच है तो इसका रेफर्ड वैल्यू क्या होना चाहिए हजार होना चाहिए बताते चलना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा फिर एक्साइटिंग करंट में मैग्नेटाइजिंग करंट है इलेवन और कोर लॉस करंट है सिक्स पॉइंट फाइव ये हमारा सेम फेज में होता है वोल्टेज के ये वोल्टेज से नाइनटी लैक करता है अब ये देखो यार अगर आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आ रहा है एक हजार ग्यारह पॉइंट वन फोर एट एंगल माइनस थर्टी पॉइंट थ्री फाइव ठीक है भाई अब फेज शिफ्ट कितना आया देखो जरा आई वन और आई एस में पॉइंट थ्री फाइव फाइव पॉजिटिव ही देना ये हमेशा ये कहलाता है फेज एरर और अगर आप यहाँ एक्चुअल रेशो निकालो तो एक हजार ग्यारह पॉइंट वन फोर्टी एट बाय फाइव तो ये एक्चुअल रेशो कितना आ गया भाई दो सौ दो पॉइंट दो तीन नॉमिनल रेशो कितना है हजार बाय पांच यानी कि दो सौ तो यहां से रेशो एरर निकाल लोगे भाई इसमें यही सवाल आता है रेशो एरर और फेज एरर का नॉमिनल रेशो माइनस एक्चुअल रेशो बाय एक्चुअल रेशो तो एक्चुअल रेशो हमेशा ज्यादा आता है ड्यू टू द नो लोड करेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आ गया भाई समझ बताओ ये क्लियर हो गया चलो अगला मेरे भाई पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर में क्या होता है पोटेंशियोमीटर में हम लोग नल डिफ्लेक्शन पे काम करते हैं और नल डिफ्लेक्शन पे जो भी वायर का वोल्टेज होता है दैट सेम वोल्टेज इज योर ई एम एफ तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं दो का कंपैरिजन करते हैं एक नोन वोल्टेज का एक अनोन वोल्टेज का तो यहां पे फंडा क्या होता है अनोन वोल्टेज बाय नोन वोल्टेज इज एल टू बाय एल वन जहां पे एल होती है बैलेंसिंग लेंथ तो ये काफी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है इसीलिए एमीटर, वोल्टमीटर वोल्ट मीटर इन सबकी कैलिब्रेशन के काम में आता है काफी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है अब यह सवाल देखना जरा अनोन वोल्टेज सोर्स ई एक्स ये रहा विद नेगलिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियो मीटर सर्किट ओके इफ गेलवेनो मीटर करेंट इज टेन माइक्रो एम्पियर देन वी एक्स इज यहां पर ना आपको टेन माइक्रो एम्पियर दे दिया अब मैं क्या करता हूँ देखो मैं यहाँ पे ना V एक वोल्टेज एज्यूम कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे आप ग्राउंडिंग मान लो तो यहाँ पे आ गया 1.5 अगर मैं ये V निकाल लूँ ना तो मैं KVL से EX बता सकता हूँ अब देखो V बाय थाउजेंड सिर्फ नेटवर्क से करना है ये वाला सवाल V माइनस वन पॉइंट फाइव बाय सिक्स हंड्रेड इनकमिंग कितना है भाई टेन माइक्रो एम्पियर अब थाउजेंड और सिक्स हंड्रेड का थ्री थाउजेंड थ्री और फाइव एट वी माइनस साढ़े सात तीन हजार से तीस हजार तो पॉइंट जीरो थ्री तो वी कितना आ गया पॉइंट नाइन फोर वन टू फाइव ठीक है इससे ई एक्स कितना आ गया पॉइंट नाइन फोर वन टू फाइव प्लस कितना इनपुट करंट है टेन माइक्रो एम्पियर ना इनटू ये रेजिस्टेंस है हंड्रेड तो वन मिली वोल्ट हो गया ये पॉइंट नाइन फोर टू टू फाइव तो ये आ गया देखो बी ठीक है ये बी आ गया क्लियर अब ये देखो अगला सवाल आपको यह पता है ना पोटेंशियो से लो रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं क्या होता है फंडा आर बाय एस इज एल वन बाय एल टू ठीक है आर इज योर स्मॉल अनोन रेजिस्टेंस एस क्या होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस चलो भाई निकालो निकालो फटाफट ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस यूजिंग अटर अंडर टेस्ट इज पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट टू का वोल्टेज ड्रॉप है वन पॉइंट सेवन फाइव अब अननोन रेजिस्टेंस का बताना है एमएसक्यू है पावर और रेजिस्टेंस निकालो ओम रतन कह रहे हैं बी एन डी बाकी लोग बताओ भाई अब यहां देखो पॉइंट फाइव टू फाइव बाय वन पॉइंट सेवन फाइव इज रेजिस्टेंस अपॉन में पॉइंट टू तो ये रेजिस्टेंस कितना आएगा पॉइंट जीरो सिक्स अब पावर कितनी आएगी भाई पॉइंट फाइव टू फाइव जो वोल्टेज है उसकी स्क्वायर बाय आर फोर पॉइंट फाइव नाइन थ्री सेवन फाइव तो एक तो ए आ गया और एक सी आ गया तो ओम रतन भाई तुमने तो वही ऑप्शन बताए जो है ही नहीं जो हैं वो वाले बताए नहीं अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में आ जाओ आ। ठीक है आ फोर थ्री बाय फोर डिजिट डिजिटल वोल्ट मीटर हैविंग अ रेजोल्यूशन ऑफ पॉइंट वन मिली वोल्ट कैन बी यूज फॉर अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इसको मैंने देखो कैसे बताया फ्रैक्शनल डिजिट वाला फंडा कि पहली डिजिट फ्रैक्शनल होती है थ्री फोर्थ का मतलब है जीरो से थ्री अब रेजोल्यूशन है पॉइंट वन मिली वोल्ट पॉइंट वन मिली वोल्ट यानी पॉइंट जीरो 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 वन इसके अनुसार आप डेसिमल कहां लगाओगे आप डेसिमल कहाँ लगाओगे आप यहां लगाओगे देखो सही है ना सॉरी तीन जीरो आएंगे मैंने चार लगा दिए यहां पे डेसिमल लगाओगे अब मैक्सिमम कितना हो सकता है थ्री पॉइंट नाइन 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 करेक्ट तो आंसर विल बी सी समझ आया फ्रैक्शनल डिजिट के साथ कैसे डील करना है नहीं एम एस क्यू में एक अगर आपने एक करेक्ट मार्क कर दिया तो कोई मार्क्स नहीं है सारे सही करोगे तो फुल मार्क्स है एक भी छूट गया या एक भी गलत हो गया तो जीरो मार्क्स है मोहित ठीक है उसमें पार्शियल मार्किंग नहीं है जरा ये देखें अच्छा एक इसमें ना टोटल एरर का फॉर्मूला और था हमारा डिजिटल मीटर में ये क्या था परसेंटेज एरर इन रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय रीडिंग प्लस नंबर ऑफ काउंट मल्टीप्लाइड बाय फुल स्केल वैल्यू इनटू रेंज ऑफ मीटर ठीक है रेंज होती है विदाउट डेसिमल मैक्सिमम वैल्यू जैसे यहां होती तीन और फिर चार नौ फोर्टी थाउजेंड आप कह सकते थे चलो अगला देखना जरा लास्ट सवाल फॉर द डिजिटल वोल्ट मीटर शोन इन द फिगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज वन मेगा टाइम फॉर विच द एंड गेट इज ऑन ठीक है मिली सेकेंड में कितनी देर तक आपका एंड गेट ऑन है हाँ, एन ए में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एम में होती है अक्षय भाई कल पेपर देना है कि कब देना है क्यों भाई अक्षय कल ही देने जा रहे हो पेपर क्या अगले साल दोगे डिजिटल वोल्ट मीटर स्कीम क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज वन मेगा ओके डिकेड काउंटर सेवन सेगमेंट डिस्प्ले लगा हुआ है रैंप जनरेटर इनपुट वोल्टेज पॉइंट वन मिली वोल्ट तो पॉइंट ट्रिपल जीरो वन हुआ ना बेटा वन मिली वोल्ट होता है पॉइंट जीरो जीरो वन तो पॉइंट वन मिली वोल्ट हुआ पॉइंट ट्रिपल जीरो वन वन बाय टेन की पावर फोर हुआ ना अक्षय आप लिख रहे हो वन बाय टेन की पावर फाइव देखो यहाँ पे क्या होगा यहाँ मैक्सिमम काउंट कितना हो सकता है वन ट्रिपल नाइन तो टाइम कितना लगेगा वन ट्रिपल नाइन काउंट पहुँचने में टेन की पावर माइनस सिक्स तो वन पॉइंट नाइन 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 मिली सेकेंड मैंने टी क्लॉक से मल्टीप्लाई कर दिया है ना एक एक काउंट एक एक टी क्लॉक में बढ़ता है ना मैक्सिमम काउंट है वन ट्रिपल नाइन कौन सी पल्स का वी नॉट निकालना है कैसे पता चलेगा सर्किट से सर्किट में बोलेगा ना थ्री फेज है तो यानी सिक्स पल्स है सिंगल फेज है माने टू पल्स है सिंगल फेस हाफ वेव है तो वन पल्स है थोड़ा सा यार अटपटा सा सवाल पूछ रहे हो बड़ा चलो दैट्स इट तो यार आप लोगों का मेरी तरफ से एंड गेम पूरा होता है और कल आप लोग एग्जाम देने वाले हो तो कल आप लोगों ने मचाना एकदम मस्त तरीके से सुबह साढ़े नौ बजे और फिर हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे सवा बारह बजे और होप आया तो मैं आज रात को भी आप लोगों से कनेक्ट करूंगा एक बार पंद्रह बीस मिनट के लिए टू गिव यू माई बेस्ट विशेज एंड टू मेक यू पॉजिटिव ठीक है और 2024, 2025 वाले बच्चे फटाफट से ज्वाइन कर लें क्योंकि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द और मैं अगले मंडे से आपके लिए प्लस पे नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं हाँ क्यू मीटर गेट में नहीं है और ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है भाई जो भी बच्चे 24, 25 की तैयारी कर रहे हैं दे कैन वॉच द स्पेशल क्लासेस है और अगर अन अकेडमी ज्वाइन करना है चूज बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में है टॉप एजुकेटर एप पे स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या है नए क्वेश्चन में डाउट आता है वीडियो सोल्यूशन घर के लिए प्रिंटेड नोट्स वन टू वन पर्सनल गाइडेंस स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लान और ओपन हाउस सेशन में यू कैन इंटरेक्ट वाया ऑडियो और आपको बस क्या करना है बेटा अन अकेडमी ऐप पे जाके प्लान डिसाइड करना है ड्यूरेशन डिसाइड करनी है एंड देन सिंपली यूज द कोड अंकित ए सी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एनालॉग की आज रात को लेंगे बेटा दूसरे वाले अंकित सर लेंगे आज शाम को सात बजे ठीक है और आप रिजल्ट देख सकते हो गेट 2022 में हमारा टॉप टेन में छह रैंकर्स थे अब आप लोगों की फोटो लगेगी बेटा एक महीने बाद यहाँ पे और डेफिनेटली आप लोग मचाओगे और मुझे भी मजा आएगा आप लोगों के नाम अनाउंस करने में ई एस सी में भी आप देखो बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिया है इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले बच्चों ने और किसी को अगर फाइनेंशियल इश्यू है तो ई पे ले सकता है विदाउट एनी इंटरेस्ट दो घंटे में अप्रूवल है मिनिमम पेपर वर्क एंड यू कैन रीपे इन अ फ्लेक्सिबल अमाउंट ऑफ टाइम और ये लेटेस्ट बैच है बेटा जो कि स्टार्ट हुआ है सुजय सर ने स्टार्ट किया पांच बजे शाम को डिजिटल अट्ठाईस जनवरी से स्टार्ट हुआ है फॉर ट्वेंटी फोर एज वेल एज ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यहां पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अभी इमीजिएटली आफ्टर दिस और अगर आपको मेरा स्टडी मटेरियल चाहिए तो ऐप के होम पेज में जाओ कम्युनिटी डिस्कवर वहां पे मिल जाएगा ठीक है सो थैंक यू एवरी वन थैंक्स अलॉट बच्चों अब हम लोग मिलेंगे आज रात को एक बार और फिर कल मिलेंगे पेपर के सॉल्यूशन के साथ एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ये ध्यान रखना पेपर में जब भी डर लगे कुछ भी हो मैं आप लोगों के साथ हूं मैं आपके साथ वही हूं इन फॉर्म ऑफ माई टीचिंग इन फॉर्म ऑफ माई कॉन्सेप्ट एट एवरी स्टेप आई विल स्टैंडिंग विद यू बस आप लोग इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि जब मैं आपके साथ हूं तो क्यों डर रहे हो तो आप लोग अच्छा ही करके आओगे डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे कल के एग्जाम में मेरे को पूरा भरोसा है आप लोगों पे मेरे को बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से तो आप बस जो है ना हारना मत मेरी उम्मीद सिर्फ इतनी सी है कि मेरे बच्चे ना गेट में आखिरी मिनट तक हारेंगे नहीं गिवअप नहीं करेंगे लास्ट मिनट तक फाइट करेंगे एग्जाम से अगर आपने इतना अचीव कर लिया तो मेरे लिए बेटा आप एक विनर हो आप एक टॉपर हो डजेंट मैटर आप कितने मार्क्स लेकर के आते हो सिर्फ लास्ट मिनट तक फाइटिंग स्पिरिट रखनी है ठीक है तो मिलते हैं फिर कल सवा बारह बजे और आज रात को कोशिश करूंगा नौ या साढ़े नौ बजे एक बार आप लोगों को फाइनल विशेष दे दूं ताकि फिर आप लोग कल जाकर के मचा के आए लेट्स क्रैक इट